रणवीर के मुंह से भूत और आत्माओं की बातें सुनकर मासूम सी माँ ही आंखें बड़ी करके रणवीर को देखने लगी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे डर लग रहा है। माँ ही डरते हुए बोली, लेकिन वो इतना ही कह पाई थी कि रणवीर ने अपने होंठ उसके कांपते होंठों पर रख दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया। रणवीर के ऐसा करने से माँ ही एकदम से शॉक्ड हो गई। वो गुस्से से रणवीर के कंधे पर मारने लगी, लेकिन रणवीर ने किस करते हुए ही माही के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए, जिस वजह से वो अब हिल भी नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद रणवीर ने माही को छोड़ दिया। माही अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी और गुस्से से उसको देख रही थी, पर रणवीर को उसके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने डेविल स्माइल के साथ माही की आंखों में देखते हुए कहा, बेबी मैं तो सिर्फ तुम्हारा डर दूर कर रहा था, ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हो? माही ने चिढ़ते हुए कहा, क्या मैंने तुमसे कहा कि मेरा डर दूर करो और तुम ही मुझे डराने के लिए ऐसी जगह लेकर आए हो? माही मुंह बनाते हुए आगे बोली, पहले खुद डराते हो, फिर डर दूर करने के नाम पर जबरदस्ती किस करते हो? ये कहकर उसने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। अभी माही ने अपनी बात पूरी की ही थी कि रणवीर ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे माही सीधा रणवीर के ऊपर आ गई। इससे पहले कि वो रणवीर से दूर जाती, रणवीर ने उसे कमर से कसकर पकड़ लिया और उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। माही अभी भी रणवीर से दूर हटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। रणवीर ने उसके नेक पर किस करते हुए कहा, बेबी ऐसे करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू नो यू कांट गेट अवे फ्रॉम मी अनलेस आई वॉन्ट टू। इतना कहकर उसने माही के नेक पर बाइट कर लिया तो उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। रणवीर आगे बोला, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें और परेशान ना करूं तो चुपचाप सो जाओ, अदरवाइज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। माही अब तक रणवीर को थोड़ा बहुत जानने लगी थी। वो जानती थी कि रणवीर जो कहता है वो करके रहता है, इसलिए वो चुप रही और चुपचाप उसी पोजीशन में रहने की वजह से उसकी आंख लग गई। रणवीर को भी अब महसूस हो गया था कि माही सो चुकी है, इसलिए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और माही की नजदीकी को महसूस करने लगा। कुछ ही देर में उसे भी नींद ने अपने आगोश में ले लिया। सुबह के करीब 4:30 बजे रणवीर का फोन रिंग करने लगा। एक दो रिंग की आवाज से ही रणवीर की नींद खुल गई। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो माही उसके सीने में सिमटी हुई सुकून से सो रही थी। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह मासूम लग रही थी। उसे ऐसे देखकर रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उसका ध्यान अपने फोन पर गया जो लगातार रिंग किए जा रहा था। रणवीर ने जल्दी ही अपना फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ रुद्र की आवाज आई, हेलो रणवीर मैं अपने रूम में हूँ, तुम सबके जागने से पहले माही को वापस ले आओ। रुद्र जानता था कि रणवीर माही को अपने साथ लेकर गया है, क्योंकि रणवीर ने रुद्र को पहले ही मैसेज करके बता दिया था। रणवीर ने सिर्फ इतना ही कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर रणवीर ने माही की तरफ देखा जो दुनिया जहां से बेखबर उसको हक करके सो रही थी। माही को ऐसे सोते देखकर रणवीर को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने माही के फोरहेड पर किस किया और धीरे से बगल वाली सीट पर सुला दिया। अभी दिन का उजाला नहीं हुआ था। रणवीर ने अपनी कार स्टार्ट की और रिजॉर्ट के लिए चल दिया। कुछ ही देर में वो रिजॉर्ट पहुंच गया। उसने गाड़ी के बाहर आकर माही की तरफ का गेट ओपन किया, फिर उसका दुपट्टा सही किया जो उसके गले से हट गया था। रणवीर के सामने माही भले ही कैसे भी रहे, पर वो नहीं चाहता था कि कोई और माही को ऐसे देखे। फिर उसने माही को अपनी गोद में उठाया और अंदर चला गया। रिजॉर्ट में अभी भी सब सो रहे थे, इसलिए किसी ने रणवीर को नहीं देखा। वो माही को ऐसे ही अपनी गोद में उठाकर उसके रूम में ले गया और डोर ओपन करके अंदर चला गया। उसने पैरों से डोर क्लोज किया और बेड की तरफ बढ़ गया। उसने माही को धीरे से बेड पर लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। रणवीर उसके गालों पर किस करने ही वाला था कि उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। रणवीर ने अपने फोन पर नजर डाली। जिस नंबर से नोटिफिकेशन आया था उसे देखकर रणवीर के फेस के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। उसने नोटिफिकेशन ओपन किया और मैसेज को देखते ही उसके फेस एक्सप्रेशन और भी डार्क हो गए। वो बालकनी की तरफ गया और एक नंबर डायल करके किसी से कुछ देर बात की, फिर कॉल डिस्कनेक्ट करके वापस रूम में आया। उसने नजर भरकर माही की ओर देखा। जहां कुछ देर पहले उसके फेस पर सख्त भाव थे, माही को देखते ही वो सॉफ्ट हो गए। उसने आगे बढ़कर माही के गाल पर किस किया और रूम से बाहर चला गया। सुबह 7 बजे जब माही की नींद खुली तो सबसे पहले उसकी नजर अपने रूम की सीलिंग की तरफ गई। तभी उसे रात को जो कुछ हुआ वो सब याद आया।
और वो झटके से उठकर बैठ गई। उसने इधर उधर देखा तो अपने आप को अपने रूम में ही पाया। तब जाकर उसने चैन की सांस ली। लेकिन तभी उसने सोचा, मैं रूम में कैसे आई? मैं तो रणवीर के गाड़ी में थी, कहीं रणवीर ही तो मुझे। फिर उसने कुछ सोचकर अपना सिर झटका और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। करीब 2 घंटे बाद सारिका की विदाई की सारी तैयारियां हो गई थी। बाकी सब ने अपने सामान की पैकिंग भी कर ली थी और सर्वेंट से कहकर उन्हें गाड़ियों में रखवा दिया था। अनीता जी बार बार रणवीर को कॉल लगा रही थी, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। हार कर उन्होंने रुद्र से पूछा, रुद्र क्या तुम्हें रणवीर का कुछ पता है कि वो कहाँ है? वो अपने रूम में भी नहीं है और अब अपना फोन भी रिसीव नहीं कर रहा है। रुद्र जानता था कि रणवीर किसी काम से मुंबई जाने वाला है, जहाँ से वो 3-4 दिन बाद वापस आएगा। वो किस काम से गया है रुद्र ये भी जानता था, लेकिन वो अनीता जी को सच नहीं बता सकता था। उसने उन्हें अधूरा सच बताते हुए कहा, बड़ी माँ, रणवीर को मुंबई वाली फैक्ट्री में अर्जेंट काम आ गया था तो उसे आज सुबह जल्दी ही जाना पड़ा। वैसे वो मुझे बताकर गया है और 3-4 दिन बाद वापस आ जाएगा। अनीता जी ने रुद्र की बात सुनकर कहा, ये लड़का भी ना, इसे बस काम के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। बस इसकी जिंदगी में भी कोई ऐसी लड़की आ जाए जो इसे थोड़ा बांध कर रखे। उनकी बात सुनकर रुद्र ने मन ही मन सोचा, आ गई है बड़ी माँ, बस एक बार वो अपनी फीलिंग को समझ ले, क्योंकि रणवीर जिसे जिद और जुनून का नाम दे रहा है वही तो उसका प्यार है माही के लिए। रुद्र को अपने ख्यालों में गुम देखकर अनीता जी ने कहा, अब तुम कौन से ख्यालों में खो गए, चलो जल्दी रेडी हो जाओ, सारिका को घर ले जाना है या नहीं? अनीता जी ने लास्ट की लाइन रुद्र को छेड़ते हुए कही तो रुद्र शर्मा गया। कुछ ही देर में सारिका की विदाई भी हो गई। महेश जी और निर्मला जी ने भीगी पलकों से अपनी लाडली बेटी को विदा किया तो वहीं माही सारिका के गले लगकर खूब रोई। सारिका के विदा होते ही सभी अपने अपने घर चल दिए। इधर सुबह माही को रिजॉर्ट में छोड़कर रणवीर आर के विला की ओर निकल गया था। विला पहुंचकर वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसे जल्द मुंबई के लिए निकलना था, इसलिए उसने जल्दी से शावर लिया और फिर तैयार हो गया। वो तैयार होकर अपने स्टडी रूम में गया और रूम का डोर लॉक कर दिया। फिर वो एक बुक शेल्फ की तरफ बढ़ा। उसने उस बुक शेल्फ से एक बुक उठाकर उसके पीछे का बटन प्रेस किया तो वो बुक शेल्फ एक डोर में बदल गई। वो डोर एक पासवर्ड से लॉक था। रणवीर ने पासवर्ड डाला तो डोर एक साइड खिसक गया। ये एक सीक्रेट रूम था जिसमें सिर्फ रुद्र या रणवीर ही जा सकते थे। उस विला में काम करने वाले सर्वेंट भी इस बारे में नहीं जानते थे। इस सीक्रेट रूम में कई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और वेपन रखे हुए थे। रणवीर ने अपने फेस को मास्क से कवर किया और एक स्क्रीन के सामने जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में उस स्क्रीन पर एक शख्स नजर आने लगा। उसने आते ही रणवीर को ग्रीट किया तो रणवीर ने भी उसे रिस्पॉन्स देते हुए अपना सिर हिलाकर कहा, सारी तैयारियां हो गई है शेरा? रणवीर की बात सुनकर शेरा ने कहा, चीफ आपने जैसा कहा था वैसा सब कुछ रेडी है और मछली भी करीब करीब जाल में फंस चुकी है। रणवीर ने कहा, ओके मैं शाम तक उस जगह पहुंच जाऊंगा, यू ऑल बी रेडी फॉर द हंट। ये कहकर उसने एक बटन प्रेस किया और स्क्रीन ऑफ हो गई। फिर रणवीर ने अपनी रोलिंग चेयर घुमाते हुए एक शैतानी हंसी के साथ कहा, बस कुछ कदम और, देन द बेट विल बी कम्प्लीटली इन माई हैंड्स। ये कहकर वो एक डेविल की तरह हंसने लगा। कुछ घंटे बाद मुंबई एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ और उसका गेट ओपन होते ही करीब 8-10 बॉडीगार्ड बाहर आकर लाइन से खड़े हो गए। कुछ ही देर में रणवीर आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाकर बाहर आया। इस वक्त उसका ऑरा काफी खतरनाक नजर आ रहा था और उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड थे। उसका एक हाथ उसकी पॉकेट में था और दूसरे हाथ से फोन कान पर लगाकर स्टेयर से नीचे आने लगा। उसके पीछे 2 और लोग हाथ में ब्रीफकेस लेकर आ रहे थे जो ब्लैक सूट पहने थे। रणवीर वहां खड़ी एक बड़ी ब्लैक कार में बैठ गया और इसके साथ ही वहां खड़ी करीब 8-10 ब्लैक कार उस कार के साथ ही वहां से निकल गई। कुछ देर बाद उसकी कार बाकी गाड़ियों के साथ फुल स्पीड में मुंबई के सड़कों पर दौड़ रही थी। उधर इंदौर में महेश जी के घर पर माही हॉल में निर्मला जी के साथ बैठी थी। निर्मला जी ने कहा, माही बेटा कल सारिका की पगफेरी की रस्म है तो उसकी सारी तैयारियां करनी है। माही ने खुश होते हुए पूछा, चाची जी दी यहाँ कब रहने आएंगी? निर्मला जी ने हंसते हुए कहा, कल पगफेरी की रस्म होगी पर कुछ दिन बाद हम सारिका को ले आएंगे, चाहो तो तुम भी अपने चाचा जी के साथ जा सकती हो सारिका को लेने के लिए। माही को नहीं पता था कि रणवीर इस वक्त मुंबई गया है और 3-4 दिन तक नहीं आएगा, इसलिए वहाँ जाने की बात सुनकर माही को रणवीर और उसकी हरकतें याद आ गई। उसने जल्दी से कहा, वो क्या है ना, शादी की वजह से मैं कई दिन से कॉलेज नहीं जा पाई तो मुझे अपने नोट्स भी तो कंप्लीट करने हैं ना,
ये सब माही एक ही सांस में बोल गई। तो निर्मला जी ने कहा, ठीक है तुम फिर कभी चले जाना। ये सुनकर माही ने एक चैन की सांस ली। तभी निर्मला जी का फोन रिंग हुआ। वो फोन रिसीव करके बात करने लगी तो माही वहाँ से उठकर अपने रूम में आ गई। वो इस वक्त अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। उसे डर था कि पगफेरे में कहीं रणवीर भी ना आ जाए। तभी उसका फोन भी रिंग करने लगा। उसने फोन पर रूही का नाम देखा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने बेड पर बैठते हुए एक पिलो को अपनी गोद में रखा और फोन पर बात करने लगी। माही चहकते हुए बोली, हेलो रूही। दूसरी तरफ से रूही बोली, हेलो माही, कैसी हो? माही बोली, मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ कल आ रही हो ना? रूही ने कहा, हाँ मैं भी कल सबके साथ आ रही हूँ। माही ने कुछ सोचते हुए रूही से पूछा, रूही तुम्हारी फैमिली से सब आ रहे हैं? रूही ने कहा, हाँ सभी आ रहे हैं, बस रणवीर भाई को छोड़कर, वो किसी काम से कहीं बाहर गए हैं, तो 4-5 दिन बाद आएंगे। माही को यही तो सुनना था, पर वो डायरेक्ट रूही से पूछ नहीं सकती थी, लेकिन रूही ने खुद ही बता दिया। माही तो खुशी के मारे बेड पर कूदने लगी। तभी दूसरी तरफ से रूही ने कहा, माही क्या हुआ? माही ने खुद को शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं रूही, मैं बहुत खुश हूँ कि कल हम सब मिलने वाले हैं। लेकिन माही की असली खुशी की वजह तो कुछ और ही थी, जिसे वो किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। रूही ने भी खुश होते हुए कहा, हाँ माही काश तुम भी हमारे ही घर में रहती, काश रणवीर भाई तुमसे शादी कर ले तो तुम भी हमारे साथ रहो हमेशा के लिए। आखिर रूही ने माही से ऐसा क्यों कहा? क्या वो माही और रणवीर के बीच की बातों को जानती है? रूही के इस बात का क्या जवाब देगी माही? आखिर रणवीर मुंबई क्यों गया है? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर। माही जो अभी तक खुशी से नाच रही थी, रूही की बात सुनकर उसकी सारी खुशी हवा हो गई। उसने चिढ़ते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, और मेरा इतना भी मन नहीं कर रहा तुमसे मिलने का, गुड नाइट। ये कहकर उसने फोन काट दिया। रूही बेचारी अजीब तरह से फोन को देखते हुए बोली, इससे अचानक क्या हुआ? वहीं माही ने कॉल डिस्कनेक्ट करके फोन अपने बेड पर ही फेंक दिया और अपने टैडी को पकड़कर पीटने लगी, जैसे वो टैडी नहीं रणवीर हो। मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। ये कहते हुए वो टैडी को हक करके सोने की कोशिश करने लगी और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। दूसरी ओर मुंबई के किसी जंगल जैसे इलाके में बने एक हिडन बेसमेंट में एक बड़ी सी चेयर पर रणवीर किसी किंग की तरह बैठा था। वहाँ हल्की सी रोशनी में सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आ रही है, जो काफी खतरनाक लग रही थी। जिस चेयर पर वो बैठा था, उस चेयर के हेड पर एक शेर की दहाड़ती हुई मूर्ति बनी हुई थी। कुछ लोग हाथ बांधे रणवीर के आसपास खड़े थे, लेकिन सबकी नजरें झुकी हुई थी। तभी रणवीर की सर्द आवाज वहां गूंज उठी, कहाँ है वो? ये सुनकर दो हट्टे कट्टे आदमी वहां एक शख्स को पकड़कर ले आए। उस आदमी के हाथ बंधे हुए थे और उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे बहुत टॉर्चर किया गया है। फिर उस आदमी को घुटनों के बल बैठा दिया गया। उसने रणवीर की ओर देखा और गुस्से से गुर्राते हुए कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का किंग मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। मेरे आदमी जल्द ही तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे। उसकी बातें सुनकर रणवीर थोड़ा आगे झुक गया। इस वक्त उसके फेस पर एक शैतानी स्माइल थी। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे आदमी तुम्हें मुझसे बचा लेंगे? हाँ, तुम अपने जिन आदमियों की आस लगाकर इस वक्त मुझे चैलेंज कर रहे हो, उन्हें तो कब का मेरे बॉडीगार्ड्स ने मारकर नरक में भेज दिया है, और जो थोड़े बहुत बच गए थे वो सब मेरे हाथों बिक गए। वैसे चिंता मत करो, उनसे कुछ काम निकलवाने के बाद उनका काम भी तमाम कर दिया जाएगा, क्योंकि धोखेबाज लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो आदमी रणवीर की बात सुनकर बौखला गया और उससे बोला, तो मुझे जिंदा क्यों रखा है? किल मी टू। रणवीर ने अपनी एक भौं चढ़ाते हुए कहा, बड़ी जल्दी है तुझे मरने की। फिर एक रूथलेस स्माइल के साथ कहा, पर तुझे इतनी भी आसान मौत नहीं दूंगा। चैलेंज किया था ना तूने मुझे कि मैं अंडरवर्ल्ड का किंग बनकर दिखाऊं? ले, मैं बन गया किंग। छीन ली तेरी पोजीशन तुझसे। नाउ आई एम द किंग, द अनक्राउंड किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। ये कहकर रणवीर एक डेविल की तरह हंसने लगा। फिर अपना फेस उस बंधक बनाए हुए शख्स के सामने करके उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि आगे से कोई भी रणवीर रॉय कपूर को चैलेंज करने से पहले 1000 बार सोचेगा। लेकिन लेकिन वीरेंद्र प्रताप रणावत, तुझे बचने का एक मौका तो जरूर दूंगा।
उस आदमी का नाम वीरेंद्र प्रताप रणावत था जो सालों से अंडरवर्ल्ड का किंग बना हुआ था, लेकिन इस बार उसने रणवीर से पंगा लिया था और उसे चैलेंज कर दिया था। पर अपनी पोजीशन गवाकर उसे इस चैलेंज की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। रणवीर ने अपने आदमियों से कहा, इसे बाहर लेकर आओ। ये कहकर वो वहां से बाहर निकल गया। कुछ देर में वीरेंद्र प्रताप रणावत बाहर खुले मैदान में खड़ा था। उसके हाथ खुले हुए थे और सामने रणवीर खड़ा था। रणवीर ने अपना कोट उतार कर अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड कर ली और उसे चैलेंज करते हुए बोला, तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ, या तो मुझे मार दो और अपनी पोजीशन दोबारा पा लो, वरना मैं तो तुम्हें मार ही दूंगा। ये सुनकर वीरेंद्र प्रताप को कहीं न कहीं एक होप मिली थी कि रणवीर को मार कर वापस अपनी पोजीशन पा लेगा, क्योंकि रणवीर निहत्ता ही उससे लड़ने वाला था। उसके पास एक मौका था जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। तभी रणवीर ने कहा, पहला वार तेरा ही होगा रणावत, कम ऑन हिट मी। रणवीर के ऐसा कहते ही वीरेंद्र उसकी तरफ झपटा, लेकिन रणवीर फुर्ती से उसके वार से बच गया। फिर रणवीर ने एक जोरदार पंच उसके मुंह पर जड़ दिया, जिससे वीरेंद्र सीधा जमीन पर मुंह के बल गिर गया। रणवीर ने कुछ ही देर में वीरेंद्र की हालत खराब कर दी। उसने वीरेंद्र को कॉलर से पकड़कर खड़ा किया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके गर्दन पर एक जोरदार वार किया। इसी के साथ वीरेंद्र प्रताप चौहान का बेजान शरीर जमीन पर गिर गया। तभी वहां बारिश होने लगी और बारिश की बूंदें रणवीर को भिगोने लगी। उसकी आंखें इस वक्त काफी गहरी थी, जैसे इन आंखों ने कई राज अपने में छुपा रखे हो। तभी उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम सख्त हो गए। फिर उसने अपनी दोनों बाहें फैलाकर अपना चेहरा ऊपर किया और अब उसकी आवाज वहां गूंजने लगी, रणवीर रॉय कपूर को खत्म करना इतना भी आसान नहीं है। टुडे आई फाइनली गॉट व्हाट मेनी पीपल ड्रीम ऑफ, यस नाउ आई एम द अंडरवर्ल्ड किंग। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। आज सच में वो एक डेविल लग रहा था। आज उसकी पावर पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। आज वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन चुका था। आज से 6 महीने पहले ही रणवीर ने इन सब की प्लानिंग कर ली थी, जब वीरेंद्र प्रताप रणावत ने उसे चैलेंज किया था। हालांकि ये सब इतना आसान भी नहीं था, लेकिन रणवीर को चैलेंजेस बहुत पसंद थे। धीरे धीरे उसने वीरेंद्र प्रताप रणावत की नींव खोखली कर दी और इस बारे में वीरेंद्र को भनक तक नहीं लगी कि वार कहां से हो रहा है। अब बस एक आखिरी वार करना बाकी था, जिसके लिए रणवीर मुंबई आया था, और आज आखिरी वार के साथ उसने वीरेंद्र प्रताप रणावत का गेम खत्म कर दिया। जिस पोजीशन को पाने के लिए लोग अपनी आधी जिंदगी लगा देते थे, रणवीर ने उस पोजीशन को सिर्फ 25 साल की उम्र में ही पा लिया था। अब रणवीर एक अंडरवर्ल्ड किंग था, तो जाहिर सी बात है अब उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ने वाली थी। दूसरी तरफ इंदौर में महेश जी के घर पर पगफेरे की रस्म को लेकर सुबह से चहल पहल मची हुई थी। निर्मला जी सभी सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन दिए जा रही थी और जल्दी से जल्दी काम न करने के लिए डांट भी रही थी। किचन में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे थे। महेश जी और गंगाधर जी हॉल में सोफे पर बैठे किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। माही वहीं पास में बैठी फोन में कुछ देख रही थी। तभी एक सर्वेंट ने आकर सारिका और उसके ससुराल वालों के आने की खबर दी। ये सुनते ही माही जल्दी से अपना फोन छोड़कर गेट की तरफ भागी। निर्मला जी ने हंसते हुए कहा, अरे माही बेटा ध्यान से, कहीं गिर मत जाना। तब तक सारिका और उसके ससुराल वाले अंदर आ चुके थे। माही तो सीधा जाकर सारिका के गले लग गई। सारिका ने भी माही को कसकर गले लगा लिया। माही ने गले लगते हुए कहा, दी मैंने आपको बहुत मिस किया। सारिका ने भी स्माइल करते हुए कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया माही। उनकी बातें सुनकर रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, माही तुमने अपनी दी को मिस किया और अपने जीजू को नहीं। ये सुनकर माही ने हंसते हुए रुद्र को हग कर लिया, तो रुद्र ने भी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। फिर माही ने सभी को नमस्ते किया और बाकी घर वालों ने भी सारिका के ससुराल वालों की आवभगत की। सभी हॉल में आकर बैठ गए। कुछ देर बाद माही सारिका और रूही को अपने साथ ले गई। तीनों माही के बेड पर बैठकर बातें करने लगी। माही ने पूछा, दी शादी के बाद कौन कौन सी रस्म हुई आपकी। सारिका ने भी सारी बातें बड़े इंटरेस्ट के साथ बताना शुरू किया। फिर रूही ने कहा, भाभी आपके सुहागरात की रस्म भी तो हुई थी, बताओ ना कैसी हुई थी। सारिका आंखें बड़ी करके और मुंह खोलकर रूही को देखने लगी। तभी माही भी बोल पड़ी, हाँ दी मुझे भी जानना है, बताओ ना आपकी सुहागरात वाली रस्म कैसी हुई थी। फिर माही और रूही दोनों सारिका को ऐसे देखने लगी जैसे अभी उन्हें कोई बहुत ज्ञान की बातें सीखने को मिलेंगी।
पर सारिका अभी भी दोनों को ऐसे ही आंखें फाड़े देख रही थी। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये तुम दोनों भी ना कैसी बातें लेकर बैठ गई, अब फालतू की बातों पर ध्यान देना बंद करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, कल से तुम दोनों को कॉलेज जाना है, समझे। ये कहकर सारिका ने किसी तरह अपनी जान छुड़ाई। इसी तरह पूरा दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला और सभी हंसते मुस्कुराते हुए वहां से विदा हो गए। दूसरे दिन माही कॉलेज गई। माही और रूही कैंटीन में बैठी प्रिया और टीना को शादी की बातें बता रही थी और पिक्स भी दिखा रही थी। रूही ने कहा, तुम भी आते तो कितना मजा आता ना। प्रिया ने कहा, हाँ यार पर क्या करे, मेरी तबीयत खराब हो गई थी और टीना तो अपने गाँव चली गई थी इसलिए हम नहीं आ पाए। रूही ने कहा, चलो कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट टाइम जब मेरे रणवीर भाई की शादी होगी तब तुम दोनों जरूर आना। टीना ने बर्गर मुंह में ठूसते हुए कहा, क्या रणवीर भाई की शादी, तुम लोगों ने उनके लिए लड़की देख ली क्या। रूही ने भी पिज्जा हाथ में लेते हुए कहा, अरे नहीं अभी तक तो नहीं, पर मैंने माही से कहा था कि वो रणवीर भाई से शादी कर ले। रूही की बात सुनकर माही उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी, जिस पर किसी और का ध्यान नहीं गया। माही ने चिढ़ते हुए बोला, चलो जल्दी करो, क्लास अटेंड नहीं करनी क्या, जब देखो फालतू बातों पर ध्यान देती रहती हो। इतना कहकर माही जाने के लिए खड़ी हो गई। वहीं माही की इस हरकत पर तीनों उसे हैरानी से देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, इसे क्या हुआ, अभी तो बिल्कुल ठीक थी। वहीं माही क्लास अटेंड करने का कहकर वहां से निकल गई। जाते जाते वो मन में बोली, पता नहीं ये रूही रणवीर से मेरी शादी करवाने पर क्यों तुली हुई है, कैसे दोस्त है मेरी, मुझ जैसी छोटी सी प्यारी सी बच्ची को उस शेर के मुंह में धकेलने की बात करती रहती है। कभी देखा है अपने भाई को, जब देखो मुझे खाने पर उतारू रहता है। कॉलेज खत्म होते ही रूही और माही दोनों घर जाने के लिए कॉलेज से बाहर निकली। आज रूही को लेने वेदांत आया था। रूही वेदांत को भी उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट देती थी जितना अपने बड़े भाइयों को देती थी। वेदांत अपनी गाड़ी से टिक कर रूही का ही वेट कर रहा था। कॉलेज से निकलती हुई लड़कियां उसे मुड़ मुड़ कर देख रही थी और आपस में फुसफुसा रही थी, कौन है ये हैंडसम लड़का, हाय कितना हॉट है ना। पर वेदांत का ध्यान उन सब पर नहीं था। माही को देखकर वेदांत उसके पास आया और स्माइल करते हुए बोला, हेलो माही कैसी हो। माही ने भी स्माइल करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ वेदांत जी। वेदांत ने कहा, तो मुझे सिर्फ वेदांत कहो, आखिर हम दोनों फ्रेंड हैं। माही ने सोचते हुए कहा, पर हम दोनों फ्रेंड कब बने। वेदांत ने कहा, कोई नहीं तो अब बन जाते हैं। फिर वेदांत ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, फ्रेंड्स। तो माही ने भी हंसते हुए हाथ मिलाकर कहा, फ्रेंड्स। फिर रूही ने चहकते हुए आगे कहा, तो इसी बात पर आइसक्रीम तो बनती है ना भाई, चलो माही आइसक्रीम खाते हैं। वेदांत ने भी थोड़ा जोर देते हुए कहा, हाँ माही चलो, तुम्हें बाद में मैं घर छोड़ दूंगा। दोनों के कहने पर माही भी मान गई। उसने अपने ड्राइवर को वापस भेज दिया और वेदांत और रूही के साथ चली गई। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर पर जाकर रुकी। माही अक्सर सारिका के साथ यहाँ आती रहती थी। वेदांत ने अपनी गाड़ी पार्क की और तीनों आइसक्रीम पार्लर चले गए। माही और रूही दोनों ही अपनी अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कर रही थी। दोनों ही आइसक्रीम खाते हुए छोटी बच्ची की तरह लग रही थी और वेदांत को दोनों की हरकतें देखकर हंसी आ रही थी। आपको पता है माही, मुझे आइसक्रीम खानी कितनी अच्छी लगती है, मामा तो आज भी मुझे ज्यादा आइसक्रीम खाने पर डांटती हैं, पर मेरे पास तो तीन तीन भाई हैं जो मुझे जब कहो तब आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं। ये सुनकर वेदांत स्माइल करते हुए उसे देखने लगा। रूही घर में सबसे छोटी थी और सबकी लाडली थी। क्या होगा जब रणवीर को माही और वेदांत के मिलने की बात पता चलेगी, क्या इसके लिए रणवीर माही को फिर सजा देगा। जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वेदांत की कोई बहन नहीं थी, वो अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था, इसलिए वेदांत रूही को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करता था और उसकी हर विश पूरी करता था। रूही ने आइसक्रीम खाते हुए कहा, तुम्हें पता है माही, जब मैं छोटी थी तो अपने तीनों भाइयों के साथ यहाँ आती थी। रूही की बात सुनकर वेदांत के फेस की स्माइल तुरंत चली गई और वो किसी गहरी सोच में डूब गया। तभी माही की आवाज सुनकर वो अपनी सोच से बाहर आया, जो रूही को बताते हुए बोली, पता है रूही, मुझे तो आधी रात को उठकर आइसक्रीम खाना बहुत पसंद। रूही ने हंसते हुए कहा, मतलब तुम भी मेरी तरह आइसक्रीम लवर हो। फिर माही ने वेदांत से पूछा, वेदांत क्या आपको आइसक्रीम पसंद नहीं है। वेदांत ने कुछ सोचकर कहा, नहीं। रूही ने कहा, झूठ मत बोलो भाई, जब मैं छोटी थी तब मैं आप रणवीर भाई और रुद्र भाई के साथ अक्सर यहाँ आती थी,
तब आप अपनी आइसक्रीम जल्दी से फिनिश कर लेते थे, फिर रणवीर भाई और रुद्र भाई की आइसक्रीम भी खा जाते थे। रूही की बात सुनकर वेदांत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन वो स्माइल इतनी छोटी थी कि शायद ही कोई देख पाता। वहीं माही को हैरानी हुई, क्योंकि उसे याद था कि कैसे रणवीर और वेदांत रिजॉर्ट में एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि कभी उन दोनों का रिश्ता नॉर्मल भी रहा होगा। माही अपनी ही सोच में गुम वेदांत को देख रही थी, तभी वेदांत की नजर माही पर गई, जो उसे ही एक टक देखे जा रही थी। उसने माही के फेस की तरफ चुटकी बजाते हुए माही को आवाज दी, माही कहाँ खो गई? माही वेदांत की आवाज सुनकर एकदम से अपनी सोच से बाहर आते हुए बोली, हाँ आपने कुछ कहा वेदांत जी? वेदांत ने हंसते हुए कहा, कहाँ खो गई थी? हालांकि वो माही की नजरों से इतना तो समझ गया था कि उसके मन में कुछ सवाल है। वेदांत ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा तुम दोनों को कुछ और भी खाना है क्या? माही ने कहा, नहीं अब आप मुझे और रूही को घर छोड़ दें, हमें देर हो रही है। रूही ने भी हाँ में सिर हिलाया, तो वेदांत ने बिल पे किया और वो सब वहां से निकल गए। तीनों इस बात से अनजान थे कि कोई छुप छुप कर मोबाइल से उनकी पिक ले रहा था। फिर उन सब के जाने के बाद उस शख्स ने वो सारी पिक्स किसी को सेंड कर दी। इधर मुंबई में रणवीर एक बिजनेस मीटिंग में बैठा हुआ था। उसके फोन पर कई मैसेजेस एक के बाद एक डिलीवर्ड हुए। उसका फोन इस वक्त साइलेंट था, तो उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर में ही मीटिंग खत्म हुई और वो वहां से निकलकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। मीटिंग एक 7-स्टार होटल के प्राइवेट रूम में रखी गई थी। उसी होटल के ऊपर वाले फ्लोर पर रणवीर के लिए रूम बुक था। रणवीर 3 दिन से लगातार काम किए जा रहा था और अब उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। रूम में आकर पहले वो शावर लेने वॉशरूम में चला गया। करीब 20 मिनट के बाद वो बाथरूम पहने बाहर आया। फिर वो बड़ी सी ग्लास वॉल के सामने रखे सोफे पर बैठ गया और सामने टेबल पर रखी वाइन ग्लास में डालकर ड्रिंक करने लगा। सामने का नजारा बहुत ही दिलकश लग रहा था। सूरज ढल रहा था और शाम की लालिमा आसमान में बिखरी हुई थी। खूबसूरत आसमान और उसके नीचे बसा पूरा शहर, जिसे देखकर एक अलग ही सुकून मिल रहा था। और इस सुकून के बल में उसे सिर्फ एक ही चेहरा नजर आ रहा था, और वो चेहरा था माही का। बिल्कुल मासूम चमकती आंखें, उसके खिलखिलाते होंठ। हाँ, ये बात अलग है कि माही रणवीर के सामने हमेशा या तो डरी सहमी हुई रहती थी या गुस्से में उसे घूरती रहती थी, पर रणवीर के अलावा जब भी माही किसी और के साथ होती थी तो खूब खिलखिलाकर हंसती थी। रणवीर ने भी उसे कई बार रूही के साथ ऐसे ही उछल कूद मचाते हुए देखा था। माही को याद करके रणवीर के होठों पर मुस्कान आ गई। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद रणवीर ने अपना फोन उठाकर चेक किया, तो उसका ध्यान कुछ नोटिफिकेशन पर गया। वो मैसेज चेक कर पाता उससे पहले ही उसका फोन रिंग करने लगा। फोन की स्क्रीन पर रुद्र का नाम लिखा था। रणवीर ने फोन रिसीव किया तो सामने से रुद्र की आवाज आई, जिसमें उसकी खुशी साफ झलक रही थी। हेलो ब्रो, रणवीर ने अपने उसी ठंडे अंदाज में कहा। बोलो। रुद्र ने उसका कोल्ड बिहेवियर महसूस करके कहा, क्या भाई कभी तो खुशी जता दिया करो, आखिर तुम्हें जो चाहिए था वो तुमने हासिल कर ही लिया। रणवीर एक गहरी सांस लेकर बोला, अभी मुझे कुछ और भी हासिल करना है जो मेरे लिए इससे भी ज्यादा जरूरी है। रुद्र शायद उसकी बात समझ गया था, फिर भी उसने कंफर्म करने के लिए पूछा, कहीं तुम माही की बात तो नहीं कर रहे हो? रणवीर ने उसके अंदाजे पर मोहर लगाते हुए कहा, एब्सोल्युटली आई एम टॉकिंग अबाउट माही। रुद्र ने पूछा, क्या तुम माही से शादी करने वाले हो? रुद्र अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था कि माही रणवीर का सिर्फ जुनून है या रणवीर उससे प्यार करता है। रणवीर ने रुद्र की बात सुनकर कहा, अगर उसे हमेशा अपने पास रखने के लिए मुझे शादी करनी पड़े तो मैं वो भी करूंगा, बिकॉज आई कैन डू एनीथिंग टू गेट हर। रुद्र ने उसे समझाते हुए कहा, देख रणवीर, मुझे लगता है कि तू उसे सिर्फ पाना चाहता है। उसे तेरे साथ शादी करनी है या नहीं, ये उसका भी फैसला होना चाहिए, ना कि सिर्फ तेरा। रुद्र ने कुछ देर रुककर आगे कहा, लिसन टू मी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड माई पॉइंट। माही अभी भी शादी जैसे रिश्ते के लिए बहुत छोटी है। वो अपने हस्बैंड और वाइफ के बीच के रिश्ते को नहीं समझ पाएगी। उसे कुछ वक्त दो ताकि वो खुद तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहे, ना कि तुम्हारे फोर्स करने पर। रुद्र की बात सुनने के बाद रणवीर ने शांत लहजे में कहा, मैं उससे तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक कि वो 21 साल की नहीं हो जाती, लेकिन फिर उसके बाद उसे मुझसे शादी करनी ही होगी। Willingly or not, other than that, she has no choice.
रणवीर की बात सुनकर रुद्र ने एक चैन की सांस ली, क्योंकि रणवीर कम से कम कुछ तो उसकी बात समझ गया था। फिर कुछ देर इधर उधर की बात करके रणवीर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ ही देर में रणवीर का डिनर भी आ गया और डिनर करके उसने कुछ देर लैपटॉप पर काम किया और फिर बेड पर जाकर लेट गया। बहुत थका हुआ होने के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई। उधर इंदौर में माही भी बेड पर लेटे हुए हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुन रही थी। माही को तो एहसास ही नहीं था कि उसकी जिंदगी में आगे कौन सा तूफान आने वाला है। ऐसे ही सॉन्ग सुनते सुनते माही भी सुकून से नींद के आगोश में चली गई। अगले दिन महेश जी, निर्मला जी और गंगाधर जी सारिका के ससुराल जाने वाले थे। माही उनके साथ नहीं जा रही थी क्योंकि पहले ही उसके कॉलेज की काफी सारी छुट्टियां हो चुकी थी, इसलिए उसने कह दिया था कि वो वीकेंड में सारिका के घर चली जाएगी। महेश जी और बाकी सब लोग रात का डिनर भी वहां से ही करके आने वाले थे। सुबह के करीब 10 बजे तक सब सारिका के ससुराल चले गए और माही भी अपने कॉलेज चली गई। रणवीर अभी भी मुंबई में ही था। होटल रूम में शावर लेने के बाद वो रेडी हो गया और ब्रेकफास्ट करने लगा। ब्रेकफास्ट करते हुए वो अपना फोन चेक करने लगा, तभी उसकी नजर उन पिक्स पर गई जिसे देखकर रणवीर का फेस एकदम डार्क हो गया और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसकी पकड़ गुस्से से अपने फोन पर कस गई। ये पिक किसी ने कल ही उसके फोन पर सेंड की थी, जो माही और वेदांत की थी, जिसमें माही वेदांत से हंसकर बात कर रही थी। रणवीर ने अपने गुस्से को काबू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब जब उसे माही और वेदांत की पिक याद आ रही थी, उसका गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ रहा था। दरअसल रणवीर ने ही एक आदमी को माही पर नजर रखने के लिए कहा था और उसी आदमी ने वो पिक्स रणवीर को सेंड की थी। उसने किसी को फोन किया और उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, मुझे जल्द से जल्द इंदौर जाना है, सो डू ऑल द प्रिपरेशंस एज सून एज पॉसिबल, इवन अ स्लाइट डिले विल नॉट बी गुड फॉर योर लाइफ। ये कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर गुस्से से ड्रेसिंग के मिरर पर एक पंच मारते हुए बोला, हाउ डेयर यू माही। उसके पंच मारते ही शीशा चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गया। उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, इतनी जल्दी मेरी वार्निंग भूल गई, और वो वेदांत मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठा रहा है, उससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और माही तुम्हें तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। बेबी कुछ ज्यादा ही डेयरिंग नहीं हो गई हो तुम। इस वक्त रणवीर की आंखों में एक शैतानियत थी। रणवीर जब भी इतने गुस्से में होता था तब वो अक्सर अपनी हदें पार कर जाता था। उसको ऐसे ही नहीं लोग डेविल कहते थे। दूसरी तरफ माही का कॉलेज खत्म होते ही वो बाहर आकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। आज रूही कॉलेज नहीं आई थी। माही जैसे ही गाड़ी में बैठने वाली थी कि तभी किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। माही ने अपना सिर घुमाकर उस इंसान को देखा तो उसकी आंखें घबराहट से बड़ी हो गई। बड़ी मुश्किल से माही के मुंह से बस इतना निकला, रणवीर तुम। रणवीर का चेहरा भले ही शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में इस वक्त दुनिया जहां का गुस्सा भरा हुआ था। उसने माही की किसी बात का जवाब नहीं दिया और ड्राइवर से कहा, तुम जाओ, माही को मैं घर छोड़ दूंगा। फिर माही को खींचकर अपनी गाड़ी के पास ले आया। माही रणवीर से अपना हाथ छोड़ने के लिए कह रही थी, क्योंकि रणवीर ने उसके हाथ को कुछ ज्यादा ही कसकर पकड़ रखा था, जिसकी वजह से माही के हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा था। पर रणवीर उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाह रहा था। उसने अपनी गाड़ी का डोर ओपन किया और माही को फ्रंट सीट पर धकेल दिया, फिर झटके से डोर बंद कर दिया। माही रणवीर की ऐसी हरकत से बहुत डर गई थी। इससे पहले कि वो गाड़ी का डोर ओपन करके बाहर आती, रणवीर जल्दी से अपनी सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी लॉक कर दी। माही फिर भी बाहर जाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए रणवीर से कहा, डोर ओपन करो, मुझे जाना है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। पर रणवीर ने उसके किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फुल स्पीड से अपनी गाड़ी ड्राइव करने लगा। माही की आंखों में डर और घबराहट की वजह से नमी आ गई। उसने रणवीर की तरफ देखकर कहा, कहाँ ले जा रहे हो मुझे, मुझे घर जाना है। लेकिन फिर भी रणवीर की तरफ से कोई जवाब ना पाकर उसने भी स्ट्रगल करना बंद कर दिया। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी आरके विला के सामने रुकी। रणवीर गाड़ी से बाहर आया और उसने माही की तरफ का गेट ओपन करके कहा, बाहर आओ। पर माही ने सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे घर जाना है, और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। रणवीर ने अभी भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे झटके से अपनी गोद में उठा लिया। माही बार बार उसकी गोद से उतरने के लिए मचल रही थी, जिसकी वजह से रणवीर ने उस पर अपनी पकड़ कस ली और उसे गोद में लेकर विला के अंदर चला गया। जब विला में काम कर रहे सर्वेंट्स ने देखा कि रणवीर किसी लड़की को गोद में उठाकर अपने रूम की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो उन्हें काफी हैरानी हुई।
क्योंकि भले ही उन्होंने रणवीर के अफेयर के बारे में काफी सुना था, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था जब रणवीर किसी लड़की को आर के विला में लेकर आया था। लेकिन जल्दी ही सभी सर्वेंट वापस अपने काम में लग गए, क्योंकि वो रणवीर के गुस्से को भी अच्छे से जानते थे। वहीं रणवीर माही को अपने रूम में लेकर आया और उसे अपने बेड पर पटक दिया। माही बेड से उठकर गेट की तरफ भागी। इससे पहले कि वो बाहर जा पाती, रणवीर ने उसकी कमर को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से गेट लॉक कर दिया, फिर वापस उसे बेड पर धक्का दे दिया। इससे पहले कि माही दोबारा बेड से उठ पाती, रणवीर उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथ पकड़कर बेड में ही प्रेस कर दिए। माही ने रणवीर की पकड़ से छूटने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन रणवीर की स्ट्रेंथ के आगे वो कुछ भी नहीं कर पाई। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, मुझे घर जाना है। अब कैसे बचेगी माही रणवीर के गुस्से से? क्या गुस्से में रणवीर कर देगा सारी हदें पार? माही के साथ साथ क्या वेदांत को भी मिलेगी सजा? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रणवीर की नजर माही के छोटे से आंसुओं से भीगे हुए चेहरे पर गई। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी और उसकी छोटी सी नाक बिल्कुल लाल हो गई थी। फिर भी कुल मिलाकर वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रणवीर माही की भीगी हुई पलकों में बसा गुस्सा अच्छे से देख पा रहा था। उसने माही के चेहरे पर आए बालों को अपनी उंगलियों से उसके कान के पीछे किया और शांत मगर एक गहरी आवाज में बोला, तुम अक्सर वही काम क्यों करती हो जिस काम के लिए मैं तुम्हें मना करता हूँ? क्या तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है जान कि तुम्हें हर बार की तरह इस बार भी मैं सजा दे सकता हूँ? ये बात कहते हुए रणवीर की नजर माही के कांपते होठों पर थी। माही ने थोड़ा कंफ्यूजन और डर के मिले जुले भाव से पूछा, मैंने इस बार क्या किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो? रणवीर ने बिना बात को घुमाए फिराए पूछा, वेदांत के साथ कल तुम क्यों गई थी? ये पूछते हुए उसकी आंखें गहरी हो गई और वो माही की आंखों में देखने लगा। माही डरते हुए बोली, वो वेदांत के साथ मेरी फ्रेंडशिप। इतना बोलकर माही एकदम से चुप हो गई, क्योंकि उसे पिछली बार की बात याद आ गई कि किस तरह रणवीर ने उसे पनिश किया था। वो याद आते ही माही डर से रणवीर की तरफ देखने लगी। वहीं माही का इतना बोलना ही रणवीर के गुस्से की आग को भड़काने के लिए काफी था। रणवीर की भौहें गुस्से से तन गई और उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैंने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा था और तुमने तो उससे फ्रेंडशिप ही कर ली। ये कहते हुए उसकी पकड़ माही के दोनों हाथों पर और कस गई। माही मन ही मन सोचते हुए खुद से बोली, किसी से दोस्ती करना कहाँ गलत है, और अब क्या ये तय करेंगे कि मुझे किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं? ये सोचकर उसने भी गुस्से से रणवीर से कहा, आपको नहीं लगता कि आपका मुझ पर कोई हक नहीं है? और मुझे किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं, ये मेरा फैसला होना चाहिए, ना कि आपका। कहने को तो माही ये कह गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत घबरा रही थी। वहीं माही का इतना कहना था कि रणवीर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने एक क्रीपी स्माइल के साथ कहा, क्या कहा तुमने, हक? तो आज मैं बता ही देता हूँ कि मेरा तुम पर कितना हक बनता है। ये कहने के साथ ही वो अपने सख्त होंठ माही के सॉफ्ट होंठों पर रखकर उसे पनिश करने लगा, उसे पैशनेट किस करने लगा। ये किस माही को किस कम पनिशमेंट ज्यादा लग रही थी, क्योंकि रणवीर उसे बाइट भी कर रहा था, जैसे वो अपना सारा गुस्सा माही पर निकाल रहा हो और जता रहा हो कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। माही रणवीर से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगी। दर्द की वजह से उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था कि उसका दम घुट रहा है, वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। कुछ देर बाद रणवीर माही से थोड़ा दूर हुआ। बाइट करने की वजह से माही के होंठ में कट लग गया था और उस कट से थोड़ा खून भी आ रहा था। माही अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे लग रहा था कि अगर रणवीर ने उसे नहीं छोड़ा होता तो जरूर आज वो दम घुटने से मर जाती। रणवीर ने माही के होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा, अब समझ आया कि तुम पर मेरा क्या और कितना हक बनता है? फिर एक मिस्टीरियस हंसी के साथ कहा, रणवीर रॉय कपूर को जो चीज पसंद आ जाए तो उस पर उसका हक खुद ब खुद हो जाता है, पर तुम तो। रणवीर ने अपनी बात रहस्यमय तरीके से अधूरी छोड़ी और माही के ऊपर से उठ गया। माही को भी रणवीर पर अब बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। माही भी जल्दी बेड से खड़ी हो गई और रणवीर से बोली, मैं कोई चीज नहीं हूँ रणवीर रॉय कपूर, कि आपको पसंद आ गई तो आप मुझ पर अपना हक समझने लगे। माही ने आज पहली बार रणवीर से इस लहजे में बात की थी। रणवीर जो कि पॉकेट में हाथ डाले माही की तरफ पीट करके खड़ा था, वो माही की बात सुनकर पहले तो अपना सिर नीचे करके हंसने लगा, फिर माही की तरफ घूमकर उसे अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए देखने लगा, जैसे कह रहा हो,
कि तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों से जरा सा भी फर्क पड़ने वाला है? फिर माही के करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हक की बात कर रही हो ना तुम, चलो तो आज मैं वो हक भी पा लेता हूँ। ये कहते हुए उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। माही आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, अब ये क्या करने वाला है। रणवीर ने टेबल से पेपर्स उठाए और बेड पर फेंकते हुए कहा, साइन इट। माही कंफ्यूजन से उन पेपर्स को देखते हुए रणवीर से बोली, क्या है ये? लेकिन रणवीर ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, तो माही वो पेपर्स उठाकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पेपर्स पढ़ती जा रही थी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। उसने गुस्से से रणवीर की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? रणवीर ने भी तिरछी स्माइल के साथ कहा, तो ठीक है, फिर बिना शादी के मेरे साथ रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। माही को अब रणवीर का ये पागलपन देख घबराहट हो रही थी। तभी रणवीर ने आगे कहा, यू हैव टू ऑप्शंस, पहला इस पर साइन करो और घर चली जाओ। इससे होगा ये कि लीगली तुम मेरी वाइफ बन जाओगी, लेकिन पति पत्नी के तौर पर हम दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत तब करेंगे जब हम दोनों की शादी पूरे परिवार के सामने रस्म रिवाज से होगी। एंड सेकेंड ऑप्शन, आज से और अभी से तुम मेरे साथ रहो। रणवीर की बात सुनकर माही हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से रणवीर को देखे जा रही थी। इतने वक्त में वो ये तो समझ गई थी कि रणवीर बहुत जिद्दी है, लेकिन आज अपनी जिद पूरी करने के लिए वो अपनी हदें पार कर रहा था। माही बस किसी तरह से यहाँ से निकलकर भाग जाना चाहती थी। उसने एक आखिरी कोशिश करने का सोचा और लगभग गिड़गिड़ाते हुए रणवीर से कहा, देखो रणवीर, ये गलत है, तुम ऐसे मुझसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते, मुझे जाने दो प्लीज। ये कहते हुए माही ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन रणवीर तो रणवीर था। एक बार जो उसने करने का मन बना लिया तो वो करके ही रहता था, और रणवीर की जिद के आगे आज तक माही की कब चली थी जो आज चलती। रणवीर ने अपने सर्द लहजे में सिर्फ इतना कहा, साइन करो। माही को भी अब यहाँ से जाने का सिर्फ यही रास्ता नजर आ रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि शायद वो घर जाकर अपने घर वालों को इस बारे में बताएगी तो वो उसे रणवीर से बचा लेंगे। वही रणवीर माही के फेस को देखकर ही समझ गया था कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। रणवीर के लिए किसी की फेस रीडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर ये तो माही थी जिसकी आंखें सब बयां करती थी। माही ने अपनी हथेली के पिछले भाग से अपनी आंखों से बहते हुए आंसू पोंछे और उन पेपर्स पर साइन कर दिया। माही को ऐसा करते देख रणवीर के फेस एक्सप्रेशन, जो अब तक सर्द थे, कुछ पल के लिए बदल गए। अब उसके चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन वो माही के सामने ये जाहिर नहीं करना चाहता था। माही ने साइन करके पेपर्स रणवीर की तरफ बढ़ाते हुए उसकी तरफ देखा तो रणवीर के फेस पर पहले वाले एक्सप्रेशन फिर से लौट आए। माही की आंखों में एक दर्द था। वो आंसू भरी आंखों से रणवीर को देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। रणवीर ने एक नजर पेपर्स को देखा और फिर माही को देखा, फिर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया, फिर माही के कान के पास अपने होंठ ले जाकर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, कंग्रेचुलेशन मिसेस माही रणवीर रॉय कपूर, नाउ यू आर माई लीगल वाइफ एंड टोटली माइन, अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है। ये कहकर उसने माही के एयर लोब को किस कर लिया, फिर माही की आंखों में देखकर कहा, वैसे तुम चाहो तो अपने घर वालों को भी बता सकती हो ताकि मैं जल्द से जल्द तुमसे पूरे रस्म रिवाज के साथ शादी कर लूं, क्योंकि लीगली तुम तो वैसे भी मेरी वाइफ बन ही चुकी हो, तो अब वो चाहकर भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकते, और मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हें अपने घर में ले आऊं और फिर हम एक अच्छे हस्बैंड वाइफ की तरह एक ही घर में, एक ही रूम में, एक ही बेड पर। लास्ट की लाइन रणवीर ने काफी सेडक्टिव टोन में कही, जिसे सुनकर माही के जिस्म में एक सिरहन सी दौड़ गई। माही इतना तो समझ गई थी कि अब वो कुछ नहीं कर सकती। माही को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी इन कुछ घंटों में बदल गई थी। माही फूट फूट कर रोने लगी और रणवीर के सीने पर मारने लगी। रणवीर ऐसे ही शांत चेहरे के साथ अपनी पॉकेट में हाथ डालकर माही को एक टक देखता रहा। माही रोते हुए बोली, आई हेट यू, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। फिर रोते रोते उसे हिचकियां आने लगी। ये देखकर रणवीर ने माही के हाथ पकड़े और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। रणवीर उसे बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था। माही ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में शांत हो गई। जब रणवीर को महसूस हुआ कि माही अब शांत हो गई है तो उसे अलग हुआ और उसने माही के फोरहेड पर अपने होंठ रख दिए, फिर माही के फेस की तरफ देखा जो अभी भी अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। रणवीर ने शांत लहजे में पूछा, घर जाना है? माही ने छोटे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाया और सिर्फ इतना कहा, हम्म। माही को ऐसे करते देख रणवीर के होठों पर स्माइल आ गई। उसने दोबारा माही से पूछा,
मैं बहुत बुरा हूँ ना, माही ने फिर से सिर हिलाकर कहा। हाँ, माही की ऐसी मासूमियत पर भला रणवीर को कैसे प्यार नहीं आता। उसने माही को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर को प्यार से सहलाने लगा। फिर उसने माही से कहा, अपना हुलिया ठीक करो और नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ। ये कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर में माही नीचे आ गई, पर उसने एक बार भी रणवीर की तरफ नहीं देखा। रणवीर ने एक नजर माही को देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर चला गया। माही भी सिर झुकाकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। रणवीर ने उसको आगे की सीट पर बिठाया और उसके सीट बेल्ट लगा दी, फिर अपनी सीट पर बैठकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे और हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। माही विंडो से बाहर देख रही थी, तभी रणवीर ने माही को पुकारा, माही। पर माही ने कोई जवाब नहीं दिया, वो ऐसे ही बैठी बाहर देखती रही। रणवीर ने गहरी सांस ली और ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। कुछ ही देर में माही का घर आ गया। रणवीर गाड़ी से बाहर आया और उसने माही की तरफ का डोर ओपन कर दिया। माही गाड़ी से बाहर निकली और दौड़ती हुई घर में चली गई। माही तो ऐसे भागी थी जैसे कितने दिनों की कैद से आजाद हुई हो, और अगर वो थोड़ी देर और रुकी तो रणवीर उसे वापस पकड़कर अपने साथ ले जाएगा। रणवीर उसे जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक माही उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। फिर रणवीर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसने एक नजर माही के घर की तरफ डाली और फिर ड्राइव करते हुए वहां से निकल गया। माही भागते हुए अपने रूम में आई और डोर बंद करके वहीं बैठकर रोने लगी। अभी तक घर वाले नहीं आए थे और वो सब रात 10 बजे तक आने वाले थे। काफी देर तक रोने के बाद माही उठकर अपने बेड पर आकर लेट गई, लेकिन अभी भी उसकी आंखों से आंसू बहने बंद नहीं हुए थे। वहीं सुनसान सड़क पर रणवीर की गाड़ी फुल स्पीड से दौड़ रही थी। रणवीर किसी गहरी सोच में था। उसकी आंखों के सामने बार बार माही का आंसुओं से भीगा चेहरा आ रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। रणवीर ने एक नजर फोन को देखा तो उस पर रुद्र का नाम फ्लैश हो रहा था। रणवीर ने फोन रिसीव किया तो रुद्र ने थोड़ा शिकायती लहजे में पूछा, रणवीर कहाँ हो तुम? मुझे पता चला कि तुम मुंबई से वापस आ गए हो और मुझे बताया भी नहीं। रणवीर ने सिर्फ इतना ही कहा, हाँ मैं वापस आ गया हूँ। रुद्र ने कहा, मैं इस वक्त तुम्हारे विला आया हूँ और मुझे पता चला कि तुम यहाँ किसी लड़की को लेकर आए थे। आखिर ये चल क्या रहा है? तुम मुझे बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो, मैं वहीं आ रहा हूँ। ये सुनकर रणवीर ने उसे जगह बता दी और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रणवीर का ये कदम क्या असर डालेगा माही की आने वाली जिंदगी पर? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुद्र से बात करने के बाद रणवीर ने एक सुनसान मैदान में अपनी गाड़ी खड़ी की और गाड़ी के बोनट पर बैठ गया। तभी वहां एक और स्पोर्ट कार आकर रुकी और उसमें से रुद्र बाहर आया। उसने जल्दी से अपने कदम रणवीर की तरफ बढ़ा दिए। रणवीर, जो बॉटल मुंह से लगाकर ड्रिंक कर रहा था, उसने तिरछी नजर से रुद्र को देखा और वापस ड्रिंक करने लगा। रुद्र की आंखों में कंफ्यूजन साफ नजर आ रही थी। रणवीर जब काफी देर तक कुछ नहीं बोला तो रुद्र ने इरिटेट होकर पूछा, अब कुछ बताओगे भी तुम? किसे विला लेकर गए थे? जहाँ तक मुझे लगा था कि तुम माही को पागलपन की हद तक चाहते हो। तुम्हारा ऐसा पागलपन मैंने किसी और लड़की के लिए नहीं देखा। फिर तुम किसी और लड़की को? रुद्र अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी रणवीर गाड़ी के बोनट से उतरते हुए बोला, मैं माही को ही विला लेकर गया था। रणवीर पर अब हल्का हल्का नशा होने लगा था। रुद्र हैरानी से रणवीर को देखते हुए बोला, माही को? तुम उसे जबरदस्ती वहां लेकर गए थे? क्योंकि मुझे शीला आंटी ने बताया था कि वो लड़की रो रही थी और तुम्हारी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। शीला आंटी आरके विला में हेड सर्वेंट थी, जिनकी उम्र करीब 50 साल थी। रणवीर और रुद्र भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। रणवीर ने बॉटल मुंह से लगाकर सारी बॉटल खाली कर दी और पलटकर रुद्र की तरफ आया। उसकी आंखों में अब नशा उतर आया था। उसने हंसते हुए कहा, मैंने माही को लीगली अपना बना लिया रुद्र, अब वो मेरी लीगल वाइफ है। Now she's mine forever. ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। रुद्र हैरानी से रणवीर को देखे जा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रणवीर इस हद तक चला जाएगा। उसने गुस्से से रणवीर की कॉलर पकड़ कर पूछा, तूने उसे फोर्स किया शादी के लिए? रणवीर की आंखों में जुनून था और होठों पर डेविल स्माइल। इस वक्त वो एक साइको लवर लग रहा था। वो डेविल स्माइल करते हुए बोला, हाँ मैंने उसे फोर्स किया, मुझे उसे अपना बनाना था किसी भी कीमत पर, और मैंने कर दिया। ये कहकर वो एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा। ये सुनकर रुद्र के गुस्से की अब सीमा पार हो गई
और उसने एक पंच रणवीर के मुंह पर मार दिया, जिससे रणवीर का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया और उसके होठों के किनारे से खून निकलने लगा। उसने हंसते हुए एक अंगूठे से अपने होठों पर लगे ब्लड को पोंछा और दूसरी बोतल लेने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो गाड़ी तक पहुंच पाता उससे पहले ही रुद्र ने उसके कॉलर को पकड़कर कहा, मैंने तुझसे कहा था कि अभी वो शादी जैसे रिश्ते के लिए बहुत छोटी है, उसे इसके लिए मत फोर्स करना, लेकिन तुझे मेरी बात नहीं समझ आई। उसे तुझसे शादी करनी है या नहीं, ये डिसीजन उसका भी होना चाहिए, न कि सिर्फ तेरा। फिर तूने उसे शादी के लिए फोर्स क्यों किया रणवीर? ये कहते हुए रुद्र ने उसे धक्का दे दिया। फिर वो रणवीर की तरफ पीट करके खड़ा हो गया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तूने सोचा भी है तेरे इस फैसले से उसके दिल और दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? कैसे हैंडल करेगी वो ये सब? फिर रणवीर की तरफ पलटकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तेरे इसी पागलपन की वजह से एक दिन तू उसे हमेशा के लिए खो देगा। उसकी बात सुनकर रणवीर, जो अब तक रुद्र की बातें सिर्फ सुन रहा था, उसका फेस एकदम डार्क हो गया। उसने रुद्र को गुस्से से देखते हुए कहा, वो मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती, बिकॉज आई विल नेवर लेट हर गेट अवे फ्रॉम मी। उसे अब सारी जिंदगी मेरे साथ रहना है, सिर्फ मेरी बनकर। रुद्र को उसकी आंखों में एक पागलपन की हद तक माही के लिए जुनून नजर आ रहा था। वही माही के लिए उसे डर लग रहा था कि कहीं रणवीर अपने इस जुनून में माही को कोई नुकसान न पहुंचा दे। रुद्र इतना तो समझ गया था कि रणवीर को माही से पागलपन की हद तक प्यार है और वो माही के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उसने रणवीर को किसी और लड़की के लिए इतना पैशनेट होते कभी नहीं देखा था। फिर रुद्र ने रणवीर को समझाते हुए कहा, देख मेरे भाई, तो कुछ दिन माही से दूर रह, उसे थोड़ा संभलने का वक्त दे, उसके साथ थोड़ा प्यार से पेशा। अब पता नहीं रणवीर को रुद्र की बात समझ आई या नहीं, पर उसने रुद्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे एक नजर देखा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। फिर जल्दी ही गाड़ी स्टार्ट करके फुल स्पीड में वहां से निकल गया। रुद्र उसकी गाड़ी को देखता रहा, फिर अपना सिर हिलाया, जैसे मन ही मन सोच रहा हो कि अब पता नहीं ये क्या करेगा। फिर वो भी अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ माही अपने बेड पर लेटे हुए सीलिंग को एक टक देखे जा रही थी। उसकी आंखों के कोने से आंसू धीरे धीरे बह रहे थे और उसकी आंखों के आगे आज की सारी घटना एक एक करके आ रही थी। तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ। माही ने देखा कि उसके बाबा अंदर आ रहे हैं, तो उसने जल्दी से ब्लैंकेट अपने मुंह तक ओढ़ लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसके बाबा उसे यूं रोते हुए देखे, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उसके बाबा उसे रोते हुए बिल्कुल नहीं देख सकते। गंगाधर जी ने माही के बेड के पास आकर देखा कि माही सो चुकी है, तो उन्होंने साइड लैंप बंद किया और माही के सिर पर हल्के से हाथ फेरा। माही का मन कर रहा था कि वो अपने बाबा को जोर से हक कर ले, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएगी, इसलिए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कुछ देर बाद गंगाधर जी उसके रूम से चले गए। माही, जो अब तक खुद को कंट्रोल किए हुए थी, वो तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगी और कुछ ही देर में वो रोते रोते सो गई। उधर आर के विला में रणवीर शर्टलेस होकर अपने बेड पर लेटा हुआ था, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। रणवीर का भी उठने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए उसने पिलो को अपने कान पर रख लिया और वापस सोने की कोशिश करने लगा। फोन काफी देर तक बजते बजते बंद हो गया, लेकिन कुछ देर बाद फोन फिर से बजने लगा। रणवीर ने इरिटेट होकर फोन उठाया तो फोन की स्क्रीन पर मॉम लिखा था। रणवीर ने लेटे हुए ही फोन रिसीव करके कहा, मॉम, क्यों इतनी सुबह फोन कर रही हो? दूसरी तरफ से अनीता जी की गुस्से भरी आवाज सुनाई थी, रणवीर, ये कोई सुबह का वक्त नहीं है, टाइम देखो 11 बज रहे हैं। रणवीर ने फोन पर ही टाइम देखा तो वाकई 11 बज रहे थे। उसने फोन वापस कान पर लगाकर कहा, तो क्या आपने मुझे टाइम बताने के लिए फोन किया है? अनीता जी ने डांटते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी क्लास लेने के लिए। कहाँ रहते हो आजकल? कब आते हो, कब चले जाते हो, बताना भी जरूरी नहीं समझते? तुम भूल जाते हो कि तुम्हारी एक फैमिली भी है। रणवीर ने चिढ़ते हुए कहा, मॉम, मैं काम से गया था और मैंने रुद्र को बताया भी था, इसलिए आप मुझे सुबह सुबह परेशान मत कीजिए, मुझे सोना है। इससे पहले कि रणवीर फोन डिस्कनेक्ट करता, अनीता जी की वार्निंग देती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम चुपचाप आधे घंटे में कपूर मेंशन आ रहे हो, वरना अगर मैं वहाँ आई तो सोच लेना। रणवीर अपनी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करता था, इसलिए उसने और बहस नहीं की और चिढ़ते हुए कहा, आ रहा हूँ मैं। ये बोलते हुए उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रणवीर चाहे पूरी दुनिया के लिए डेविल हो, लेकिन अपनी माँ के सामने उसकी आज भी नहीं चलती थी, इसलिए वो जल्दी से रेडी होकर कपूर मेंशन पहुंच गया। वो अपने रूम में सोफे पर बैठ रखा था
और सामने ही उसकी माँ हाथ बांधे उसे घूर रही थी। जब काफी देर तक वो कुछ नहीं बोली तो रणवीर ने इरिटेट होकर कहा, मॉम क्या आपने मुझे यहाँ ऐसे घूरने के लिए बुलाया है? अनीता जी ने उसे घूरते हुए पूछा, तू शादी कब कर रहा है रणवीर? क्योंकि तू कुछ ज्यादा ही आजाद रहने लगा है, कोई तो आए जो तुझे बांध कर रख सके। अगर ये बात किसी और ने कही होती तो रणवीर का जवाब होता, आज तक कोई रणवीर को बांध नहीं सका। रणवीर रॉय कपूर हमेशा आजाद रहा है और हमेशा आजाद रहेगा। पर इस समय उसकी माँ उसके सामने बैठी थी। उसे अच्छे से पता था कि उसने ऐसा कुछ कहा तो उसकी माँ उसे पूरे घर में दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। रणवीर को चुप देखकर अनीता जी ने कहा, देख अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बोल, वरना मैं तेरे लिए लड़की देखना शुरू करती हूँ। फिर कुछ देर रुक कर वो बोली, वैसे शनाया भी अच्छी लड़की है, तू कहे तो मैं तेरे डैड से कहकर उससे रिश्ते की बात चलाऊं। रणवीर ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे शनाया पसंद नहीं है और मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। रणवीर ने ये इसलिए बोला था क्योंकि अगर वो ये नहीं कहता तो उसकी माँ शनाया या किसी और लड़की से उसकी शादी करवा कर ही मानती। वो जानता था कि अगर उसकी माँ ने एक बार कुछ करने की ठान ली तो वो करके ही दम लेती है। रणवीर की बात सुनकर अनीता जी एकदम खुश हो गई और उसके पास बैठते हुए बोली, तूने लड़की पसंद कर ली, कौन है वो बताना, मैं कल ही रिश्ता लेकर जाती हूँ, मुझे अपनी होने वाली बहू से भी तो मिलना है। ये सुनकर रणवीर ने अजीब नजरों से अपनी माँ को देखा, फिर तिरछी स्माइल के साथ सामने देखने लगा और मन ही मन सोचा, मॉम आपकी होने वाली बहू नहीं, हो चुकी बहू कहिए। उसको अपनी सोच में गुम देखकर अनीता जी ने कहा, अरे बता ना कौन है वो लड़की, मैं जल्द से जल्द उसे अपनी बहू बनाकर घर लाना चाहती हूँ। ये सुनकर रणवीर के मुंह से तुरंत निकला, माही। रणवीर ने भी बिना घुमाए फिराए कह दिया क्योंकि वो भी माही को जल्द से जल्द शादी करके अपने घर लाना चाहता था। अनीता जी तो हैरानी से रणवीर को देखती रह गई। उन्होंने कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से पूछा, माही, हमारी वाली माही, सारिका की छोटी बहन? रणवीर ने भी अंगड़ाई लेते हुए कहा, हाँ मॉम माही, मेरी वाली माही। ये कहकर वो अनीता जी की गोद में सिर रखकर लेट गया। अनीता जी ने कहा, लेकिन अभी तो वो शादी के लिहाज से बहुत छोटी है। वैसे रणवीर ऐसा नहीं है कि मुझे माही पसंद नहीं है, मुझे माही बहुत प्यारी लगती है। अरे वो है ही इतनी प्यारी कि किसी को भी उस पर प्यार आ जाए, लेकिन शादी जैसे रिश्ते को समझने के लिए अभी वो बहुत छोटी है। रणवीर ने लेटे लेटे ही अपनी आंखें बंद करके कहा, मॉम अब आप देख लीजिए, मुझे माही से शादी करनी है, वो भी एक महीने में, वरना अपनी बहू घर लाने का सपना तो भूल जाइए। अब तो अनीता जी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वो अपने बेटे को अच्छे से जानती थी, आखिर उन्हीं पर तो गया था। उन्होंने अपनी गोद में सिर रख कर लेटे हुए रणवीर को देखा और मन ही मन सोच लिया, हे भगवान अब मुझे ही कुछ करना होगा, मैंने पहली बार इसे किसी लड़की के लिए इतना सीरियस होते देखा है, आज इसके डैड से बात करती हूँ। ये सोचकर वो मुस्कुराते हुए रणवीर के सिर पर हाथ फेरने लगी। रणवीर भी सुकून से लेटा हुआ था क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ अपने बेटे के लिए पूरे घर को मना लेगी। वही माही आज कॉलेज नहीं गई थी, वो अपने बाबा के रूम में उनकी गोद में सिर रख कर लेटी हुई थी और गंगाधर जी प्यार से उसके सिर को सहला रहे थे। आज गंगाधर जी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने माही को इसका एहसास नहीं होने दिया। माही ने अपने बाबा से पूछा, बाबा लोग शादी क्यों करते हैं? गंगाधर जी माही की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोले, क्योंकि बेटा हर इंसान को एक ऐसे जीवन साथी की जरूरत होती है जो सुख में दुख में हमेशा उसके साथ रहे। हर इंसान के जीवन में एक पड़ाव ऐसा आता है जब उसके माता पिता उसके भाई बहन भी साथ छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि बुढ़ापे में उसके बच्चे भी अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाते हैं, तब हमारे साथ रह जाता है हमारा सच्चा जीवन साथी। माही ने गंगाधर जी की तरफ देखते हुए पूछा, तब क्या आप मेरी भी शादी करवा देंगे जीवन साथी के लिए? गंगाधर जी ने कहा, हाँ जब भी मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो मेरी माही को बहुत प्यार करेगा तो मैं उससे अपनी माही की शादी करवा दूंगा। माही ने मुंह बनाते हुए बोला, अगर मुझे शादी न करनी हो तब भी? उसकी बात सुनकर गंगाधर जी बोले, मेरा सपना है कि मैं अपनी गुड़िया को दुल्हन बनते देखूं, उसकी शादी होते हुए देखूं। ये कहते कहते वो रुक गए, उन्हें अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, उन्हें काफी पसीना आने लगा और घबराहट भी होने लगी। उन्होंने थोड़ा परेशान होते हुए माही से कहा, माही बेटा जाकर अपने चाचा जी को बुला लाओ,
क्या अनीता जी सभी घर वालों को माही और रणवीर की शादी के लिए मना लेंगे? क्या है गंगा दर्जी की तबीयत खराब होने की वजह? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर। गंगाधर जी ने जैसे ही माही को उसके चाचा जी को बुलाने के लिए कहा तो माही ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा। उनकी हालत देखकर उसको समझने में देर नहीं लगी कि उसके बाबा की तबीयत खराब है। उसने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ बाबा, आप ठीक तो है ना? पर तब तक गंगाधर जी बेहोश हो गए थे। ये देखकर माही बहुत घबरा गई। वो जल्दी से रूम से बाहर आई और चिल्लाते हुए महेश जी को बुलाने लगी। महेश जी इस वक्त अपने स्टडी रूम में मौजूद थे। जब उन्होंने माही की आवाज सुनी तो वो लगभग दौड़ते हुए गंगाधर जी के रूम में आए और उनके पीछे पीछे निर्मला जी भी आ गई। गंगाधर जी की हालत देखकर महेश जी ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। कुछ ही देर में डॉक्टर भी पहुंच गए। महेश जी ने निर्मला जी को इशारा किया कि वो माही को यहाँ से ले जाए। माही जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन निर्मला जी के समझाने पर वो मान गई। कमरे में डॉक्टर ने महेश जी से कुछ बात की और गंगाधर जी को इंजेक्शन लगाकर चले गए। महेश जी रूम से बाहर आए तो माही ने अपने बाबा की तबीयत के बारे में पूछा। महेश जी ने सिर्फ इतना कहा कि डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है और अभी उन्हें आराम की जरूरत है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। माही अपने बाबा को देखने उनके रूम में गई। वो अभी इंजेक्शन के असर की वजह से सो रहे थे। निर्मला जी ने माही को समझाते हुए कहा, बेटा अभी बाबा सो रहे हैं ना, जब जागेंगे तब आके मिल लेना उनसे। माही अपने बाबा को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन निर्मला जी की बात मानकर कुछ देर बाद वो अपने रूम में वापस आ गई। वहाँ निर्मला जी ने महेश जी से कहा, हम कब तक माही से भाई साहब की हालत के बारे में छुपाएंगे? आखिर माही भाई साहब की बेटी है, उसे सब जानने का हक है। महेश जी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम जानती हो ना माही अपने बाबा से कितना प्यार करती है। उस मासूम ने तो अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखा। उसके लिए तो हमेशा उसके बाबा ही सब कुछ है। अगर उसे अभी सब सच बता दिया तो वो कैसे अपने आप को संभालेगी? वैसे भी भाई साहब नहीं चाहते हैं कि माही को कुछ भी पता चले। इधर कपूर मेंशन में रणवीर की मॉम ने उसके डैड से माही और रणवीर के रिश्ते की बात की तो वो भी थोड़ी आनाकानी करते हुए आखिरकार मान ही गए। वो भी अपने बेटे को अच्छी तरह से जानते थे कि रणवीर कितनी टेढ़ी खीर है। वो रणवीर के लिए ऐसी लड़की चाहते थे जो उसे सुधार कर रख दे। हालांकि माही भी उनको बहुत पसंद थी। उन्होंने अनीता जी से कहा, ठीक है मैं कुछ दिनों में मौका निकालकर महेश जी और गंगाधर जी से बात करता हूँ। अनीता जी अब थोड़ा आश्वस्त हो गई थी। रणवीर कुछ दिन कपूर मेंशन में ही रहने वाला था। वहीं रुद्र अभी भी रणवीर से नाराज था। वो काम के अलावा रणवीर से कोई बात नहीं करता था। करीब 2-3 दिन बाद रणवीर के डैड महेश जी के ऑफिस में पहुंचे। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद उन्होंने रणवीर और माही के रिश्ते की बात छेड़ दी। इससे पहले कि महेश जी कोई जवाब दे पाते तभी उनके कैबिन में गंगाधर जी आ गए। जब उन्होंने मिस्टर कपूर को वहां बैठे देखा तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। मिस्टर कपूर ने भी अपने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया। गंगाधर जी की तबीयत अब थोड़ी ठीक थी और वो घर पर बोर हो रहे थे, इसलिए महेश जी के ऑफिस आ गए थे। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद महेश जी ने मिस्टर कपूर का प्रस्ताव गंगाधर जी के आगे रखा। महेश जी की बात सुनकर गंगाधर जी किसी गहरी सोच में पड़ गए। मिस्टर कपूर ने समझा कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए वो जाने का कहकर उठ खड़े हुए। तभी गंगाधर जी की बात सुनकर मिस्टर कपूर और महेश जी का ध्यान उनकी तरफ चला गया, क्योंकि गंगाधर जी ने मिस्टर कपूर की तरफ देखते हुए कहा था, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। गंगाधर जी की बात सुनकर जहां मिस्टर कपूर के चेहरे पर खुशी के भाव थे, वहीं महेश जी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। मिस्टर कपूर खुश होते हुए बोले, ठीक है तो मैं कल अपने पूरे परिवार के साथ रिश्ता पक्का करने आ रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। महेश जी ने गंगाधर जी से पूछा, भाई साहब आप इस रिश्ते के लिए मान कैसे गए? माही की अभी शादी की उम्र भी नहीं है और उसकी तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। गंगाधर जी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, छोटे तू जानता है मेरी तबीयत के बारे में। जब से माही पैदा हुई थी तब से मेरा एक ही तो सपना रहा था कि मैं अपने हाथों से अपनी गुड़िया का हाथ एक राजकुमार के हाथ में सौंप दूं और खुद उसकी शादी करके उसे विदा करूं। तुझे पता है ना मैं कभी भी। इससे पहले कि गंगाधर जी आगे कुछ कहते, महेश जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं भाई साहब आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप चाहते हैं ना कि माही की शादी आप अपने हाथों से करें और आप खुद उसे विदा करें, तो ऐसा ही होगा। ये कहते हुए महेश जी की आंखें नम हो गई। शाम के वक्त महेश जी के घर पर माही मुंह फुलाए हॉल में बैठी थी। महेश जी और गंगाधर जी उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे, पर माही थी कि टस से मस नहीं हो रही थी। माही ने जिद करते हुए कहा, मुझे शादी नहीं करनी बाबा, मैं आपको ज्यादा परेशान करती हूँ क्या जो आप मुझे अपने आप से दूर कर रहे हैं? इतना कहकर वो रोते हुए अपने रूम में चली गई।
माही को ऐसे जाते देख गंगाधर जी की आंखें नम हो गई। महेश जी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें दिलासा देते हुए कहा, भाई साहब आप चिंता मत करिए, मैं माही को समझाऊंगा, आप ज्यादा सोचेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। गंगाधर जी ने एक नजर महेश जी को देखा, उनकी आंखों में उनकी मजबूरी साफ नजर आ रही थी। फिर वो थके कदमों से अपने कमरे में चले गए। माही बेड पर औंधे मुंह लेटकर रो रही थी। महेश जी और निर्मला जी उसके रूम में आए और उसके पास बेड पर बैठ गए। निर्मला जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, पर माही ने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। महेश जी ने प्यार से माही को पुकारा, माही मेरी गुड़िया, इतना नाराज है हमसे कि हमारी तरफ देख भी नहीं रही। माही ने लेटे हुए ही कहा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं सबसे नाराज हूँ। महेश जी ने समझाते हुए कहा, ठीक है पर एक बार मेरी पूरी बात तो सुनो कि हम तुम्हारी शादी क्यों करवाना चाह रहे हैं, फिर अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करना। ये सुनकर माही उठकर बैठ गई और महेश जी की तरफ देखने लगी। महेश जी ने माही को समझाते हुए कहा, माही तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बाबा को डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है और कहा है कि उन्हें जितना खुश रखा जाए उतना उनकी सेहत के लिए अच्छा है। और बेटा तुम्हारे बाबा दिल से चाहते हैं कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, तुम्हारे मना करने से वो बहुत दुखी हैं। क्या तुम चाहती हो कि उनकी तबीयत फिर से खराब हो जाए? महेश जी की बात सुनकर माही ने ना में सिर हिलाया। तो महेश जी मुस्कुराते हुए बोले, तो गुड़िया तुम्हारी बाबा की खुशी इसी में है कि तुम शादी के लिए राजी हो जाओ, तो क्या तुम उन्हें ये खुशी नहीं दोगी? माही महेश जी के गले लगकर बोली, चाचा जी मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर महेश जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने माही के सिर को सहलाते हुए कहा, मुझे पता था कि मेरी गुड़िया हमारी बात जरूर मानेगी। अच्छा अब मैं जल्दी से भाई साहब को यह खुशखबरी देता हूँ ताकि उन्हें किसी तरह की कोई टेंशन ना हो। ये कहकर वो और निर्मला जी उसके रूम से बाहर आ गए। उधर कपूर मेंशन में भी इस वक्त काफी हलचल थी। मिस्टर कपूर ने पूरे परिवार को माही और रणवीर के रिश्ते के बारे में बता दिया था और सभी इस रिश्ते से बहुत खुश थे। रणवीर रेलिंग पर हाथ टिकाकर सब देख रहा था। रुद्र जो नीचे सबके साथ बैठा था उसने सिर को उठाकर रणवीर की तरफ देखा। रणवीर की नजर जब रुद्र से मिली तो उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। ये देखकर रुद्र ने मन ही मन कहा, आखिर तूने अपने मन की कर ही ली रणवीर। अगले दिन कपूर फैमिली महेश जी के घर पर पहुंच गई। आज गंगाधर जी के चेहरे की रौनक देखते ही बन रही थी। निर्मला जी ने सारिका को पहले ही सारे सिचुएशन के बारे में समझा दिया था। आज महेश जी और गंगाधर जी ने कपूर फैमिली की आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। रणवीर आज ब्लू शर्ट और व्हाइट पैंट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। सारिका आते ही माही के रूम की तरफ गई। उसने माही के रूम में पहुंचकर उसे गले से लगा लिया। माही ने भी सारिका को कसकर गले से लगा लिया। सारिका ने खुश होते हुए कहा, माही मैं बहुत खुश हूँ कि अब हम दोनों बहनें एक साथ रह पाएंगी। माही ने सारिका की बात पर एक फीकी सी स्माइल दी। सारिका माही के चेहरे की उदासी को महसूस कर पा रही थी। उसने माही का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और उससे प्यार से समझाते हुए कहा, माही बच्चा मैं जानती हूँ कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन यकीन मानो रणवीर तुम्हें बहुत प्यार करेगा और पूरा परिवार तो तुम्हें अपने सर आंखों पर बिठा कर रखेगा। सारिका की बात सुनकर माही धीरे से मुस्कुरा दी। तभी एक मेड जो दोनों को बुलाने आई थी वो अंदर आते हुए बोली, सारिका बेबी आपको मैम ने नीचे बुलाया है। सारिका ने एक नजर माही को ध्यान से देखा कि वो अच्छे से तैयार है ना, फिर माही से कहा, माही चले नीचे। माही ने भी सिर हिला दिया और सारिका उसे लेकर नीचे चली गई। नीचे दोनों फैमिली बैठी आपस में एक दूसरे से बातें कर रही थी, पर रणवीर का ध्यान बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। उसने वैसे भी पिछले 5 दिन से माही को नहीं देखा था, बस उसे ही पता था कि उसने ये दिन कैसे बिताए थे। रणवीर की बेचैनी रुद्र भी महसूस कर रहा था और उसे कहीं न कहीं रणवीर की यह हालत देखकर हंसी आ रही थी। कोई और दिन होता तो रणवीर इतना वेट नहीं करता और सीधा माही के कमरे में ही पहुंच जाता, पर यहाँ तो पूरी फैमिली मौजूद थी। तभी रणवीर की नजर एक बार फिर सीढ़ियों की तरफ चली गई। वहीं माही पिंक अनारकली सूट में सारिका के साथ सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। रणवीर ने माही को देखकर मन ही मन कहा, उफ इस लड़की को जब भी देखता हूँ ये हर बार और भी खूबसूरत लगती है। माही नजरें झुकाए नीचे आ रही थी। उसको देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निर्मला जी ने खड़े होकर माही को रणवीर के बगल में बिठाना चाहा, लेकिन उससे पहले रणवीर की दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मेरे पोते की बहू को मेरे पास लेकर आओ। निर्मला जी ने माही को उनके बगल में बिठा दिया तो दादी ने माही को देखते हुए कहा, मेरे पोते की बहू कितनी सुंदर है। ये कहकर वो माही की बलाइयां लेने लगी।
इस वक्त रणवीर को अपनी दादी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं रुद्र रणवीर की बेचैनी को देखकर मुंह दबाए मुश्किल से हंसी कंट्रोल कर रहा था। रणवीर ने जब आंखें छोटी करके उसे घूर कर देखा तो उसकी हंसी एकदम गायब हो गई। तभी अनीता जी ने माही को रणवीर के बगल में बिठाते हुए कहा, अरे मैं भी तो देखूं मेरी बहू और बेटे की जोड़ी कैसी लगती है। अब रणवीर को थोड़ा सुकून मिला। इस वक्त उसे मन ही मन अपनी माँ पर ढेर सारा प्यार आ रहा था। ओह लव यू मॉम। रणवीर की नजर बार बार माही पर ही जाकर ठहर रही थी। इस दौरान माही ने एक बार भी नजर उठाकर रणवीर की तरफ नहीं देखा था। रणवीर इतना तो समझ ही गया था कि माही अभी भी उससे नाराज है। फिर रणवीर ने रुद्र को एक मैसेज किया और इशारों से फोन चेक करने के लिए कहा। रुद्र ने अपना फोन चेक किया और रणवीर को इशारा किया कि मैं कुछ करता हूँ। फिर रुद्र ने अपनी माँ के कान में कुछ कहा तो उसकी माँ मुस्कुराकर बोली, मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर उन्होंने सबसे कहा, क्यों ना रणवीर और माही को कुछ देर अकेले में बात करने दिया जाए। इस बात पर सभी ने हामी भर दी, लेकिन माही इस वक्त रणवीर से कोई बात नहीं करना चाहती थी। वो सोचते हुए मन में बोली, देखो फैमिली के सामने कितना शरीफ बना बैठा है, डेविल कहीं का। सारिका माही को अपने साथ ले गई और उसे उसके रूम में छोड़ दिया। फिर वापस नीचे सभी के पास आकर बैठ गई। सारिका के नीचे आते ही अनीता जी ने रणवीर को जाने के लिए कहा। रणवीर तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। वो जल्दी से माही के रूम की तरफ बढ़ गया। क्या आज माही और रणवीर की शादी के बाद पक्की हो जाएगी या उनकी शादी में आएगी कोई रुकावट। जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रणवीर जब माही के रूम में पहुंचा तो उस वक्त माही विंडो के पास खड़ी होकर बाहर की ओर देख रही थी। रणवीर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए माही की तरफ गया और उसके पीछे जाकर बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। माही को एहसास हुआ कि रणवीर उसके बिल्कुल करीब ही खड़ा है। रणवीर की मौजूदगी का एहसास होते ही माही के पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। रणवीर ने उसको कंधे से पकड़कर उसे अपनी तरफ किया। माही नीचे सर झुकाए खड़ी थी। रणवीर ने जब उसे ऐसे नजरें नीचे किए देखा तो नर्म लहजे में कहा, माही मेरी तरफ देखो। पर माही ने अपनी नजरें नहीं उठाई। रणवीर ने एक बार फिर कहा, माही मैंने कहा ना एक बार मेरी तरफ देखो। पर माही अभी भी ऐसे ही खड़ी हुई थी। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी रणवीर की तरफ देखने की। अब रणवीर को थोड़ा गुस्सा आने लगा और इस बार उसने थोड़े सख्त लहजे में कहा, माही अगर तुमने मेरी तरफ नहीं देखा तो फिर आगे जो मैं करूंगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। माही जानती थी कि रणवीर की वार्निंग ऐसी ही नहीं होती। उसने डरते हुए रणवीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी। रणवीर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, अब रो क्यों रही हो और ऐसे मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी। माही ने हैरानी से रणवीर को देखा और मन ही मन बोली, ये तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं, तकलीफ देते वक्त तो कुछ नहीं सोचते। फिर रणवीर को मुस्कुराते देख माही ने थोड़े गुस्से से कहा, आप मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं, आप मना कर दीजिए कि माही मुझे पसंद नहीं है। ये सुनकर रणवीर ने बेड पर आराम से बैठते हुए कहा, ओ हेलो हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, ये सब तो फॉर्मेलिटी है तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले जाने की। माही ने गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा, पर अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और सबसे बड़ी बात मुझे ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी जो हमेशा मुझ पर गुस्सा करता हो। आपको पता भी है आप गुस्से में मुझे कितना हर्ट करते हैं और हमेशा अपने मन की करते हैं। रणवीर ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर माही को घूरते देखा और फिर खड़े होकर धीरे धीरे माही की तरफ बढ़ने लगा। उसके दोनों हाथ उसकी पॉकेट में थे। रणवीर को पास आते देख माही और जो भी कुछ बोलना चाहती थी वो सब भूल गई और अपने कदम पीछे लेने लगी। माही ने मन ही मन सोचा, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। तब तक माही के पास पीछे जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची क्योंकि उनकी पीठ दीवार से लग गई थी। रणवीर उसके बहुत करीब आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए मन में बोला, कितनी खूबसूरत आंखें हैं, जैसे इनमें दुनिया जहां की मासूमियत समाई हुई है। रणवीर तो जैसे उसकी आंखों में खो ही गया। फिर माही जैसे ही वहां से जाने लगी तो रणवीर ने उसके दोनों साइड वॉल पर अपने हाथ टिका दिए। फिर उसकी आंखों में एक टक देखते हुए बोला, मैं जैसा भी हूँ तुम्हें मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा और हमेशा मेरी बनकर रहना होगा, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। कहा था ना कि मैं तुम्हें जल्द ही अपना बना लूंगा, इसलिए एक एडवाइस दे रहा हूँ कि ये बात तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा क्योंकि अब तुम्हारे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ये कहते हुए रणवीर के होंठ पर एक विनिंग स्माइल आ गई। फिर माही के गालों को अंगूठे से सहलाते हुए बोला, तो
तुम जानते हो कि मुझे तुम पर गुस्सा कब आता है, तो तुम कभी ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से मुझे तुम पर गुस्सा आए। सो डोंट एवर टेस्ट माई पेशेंस बिकॉज यू विल नेवर बी एबल टू विदस्टैंड माई वाइल्ड साइट। गॉट इट? माही को अब घबराहट महसूस हो रही थी और उसकी आंखों में ये सब साफ नजर आ रहा था। रणवीर ने अपनी एक भौं चढ़ाते हुए इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। माही ने जल्दी से अपना सिर हिलाकर हाँ कहा। ये देखकर रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, गुड। फिर उसने माही के होठों पर एक बेबी किस की और वहां से चला गया। माही अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, पता नहीं मैं इनके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी। थोड़ी देर बाद सारिका माही को नीचे ले जाने आई। माही अपने दिल की घबराहट को छिपाते हुए फेस पर एक स्माइल ले आई, क्योंकि वो जानती थी कि उसके बाबा इस शादी से बहुत खुश हैं और वो अपने बाबा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी। माही सारिका के साथ सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने एक नजर सबकी तरफ देखा तो सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन रणवीर के चेहरे की स्माइल कुछ और ही बात कह रही थी। जैसे ही माही की नजर रणवीर से मिली, जो एक विनिंग स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था, तो माही को कुछ देर पहले की रणवीर की बातें याद आ गई। उसका मन फिर से बेचैन होने लगा और उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। सारिका ने माही को रणवीर के बगल में बिठा दिया और खुद आकर निर्मला जी के पास बैठ गई। अनीता जी ने आगे बढ़कर माही के सिर पर उसका दुपट्टा उड़ाया और माही की गोद में शगुन का सामान रख दिया। फिर माही के माथे को प्यार से चूमते हुए बोली, बहुत जल्द हम सब तुम्हें धूमधाम से अपने घर ले जाएंगे। ऐसे ही रणवीर की दादी ने भी माही की गोद में शगुन डाला। फिर रणवीर के दादाजी विशंबर राय कपूर ने कहा, आज से 7 दिन बाद रणवीर और माही की ड्रिंक सेरेमनी होगी, इसलिए सभी अपनी अपनी तैयारियों में लग जाओ और शादी की डेट हम पंडित जी से पूछ कर बता देंगे। उनकी इस बात से सभी सहमत थे। वहाँ काफी हंसी खुशी का माहौल हो गया था। बस एक अनकही बेचैनी थी तो सिर्फ माही के मन में। कुछ देर बाद सभी ने लंच किया और लंच करने के बाद उन्होंने वहाँ से विदा ली। गंगाधर जी ने माही की तरफ देखा तो उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने मन ही मन कहा, मेरी गुड़िया तो कुछ दिन बाद पराई हो जाएगी, पर मैं खुश हूँ कि तुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिल रहा है जो तुझे कभी मेरी कमी महसूस नहीं होने देगा। तभी महेश जी ने गंगाधर जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई साहब सब ठीक होगा, हमारी माही वहां बहुत खुश रहेगी। महेश जी की बात सुनकर गंगाधर जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो आराम करने अपने रूम में चले गए। अगले दिन माही अपने कॉलेज चली गई। दरअसल कॉलेज में 2 दिन बाद एक डांस कॉम्पिटिशन होना था जिसमें माही और रूही ने भी हिस्सा लिया था। दोनों ही उस फंक्शन में डांस परफॉर्म करने वाली थी। माही को डांस करना बहुत पसंद था और वो डांस करती भी काफी अच्छा थी। रूही ने कॉलेज में प्रिया और टीना को बता दिया था कि माही की शादी उसके भाई रणवीर से होने वाली है और इस वजह से वो दोनों माही को रणवीर के नाम पर बार बार चिढ़ा रही थी। माही अब दोनों के ऐसे बार बार चिढ़ाने से इरिटेट हो रही थी। इस वक्त चारों कैंटीन में बैठी अपने ऑर्डर का वेट कर रही थी। रूही, प्रिया और टीना आपस में गपशप में लगी हुई थी और माही अपने फोन में बिजी थी। इतने में प्रिया ने रूही और टीना को देखते हुए अपनी इकाई विंक करके कहा, अभी तो शादी भी नहीं हुई और मैडम को हमसे बात करने की फुर्सत नहीं है। माही ने अपनी नजर उठाकर प्रिया की तरफ देखते हुए पूछा, कहना क्या चाहती हो प्रिया? प्रिया ने उसे छेड़ते हुए कहा, और नहीं तो क्या, हम तीनों ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और तू है कि जीजू के साथ प्यार भरी चैटिंग करने में बिजी है। ये सुनकर माही चिढ़ गई और उसने गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा, देख प्रिया मैं तुझे सुबह से देख रही हूँ, अगर एक बार और तूने ऐसी बात की तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। प्रिया भी कहां हार मारने वालों में से थी। उसने चिढ़ाते हुए कहा, अगर तूने मुझे मारा तो मैं तेरी शिकायत जीजू से कर दूंगी कि संभालो अपनी होने वाली बीवी को, बहुत खतरनाक होती जा रही है आजकल। ये कहकर उसने माही को जीभ दिखाई और वहां से भागने लगी, क्योंकि उसे पता था कि अब माही उसे नहीं छोड़ने वाली, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। माही उसके पीछे उसे मारने के लिए दौड़ी और दोनों की ऐसी हरकतें देखकर रूही और टीना के तो हंस हंस कर पेट में दर्द होने लगा। कॉलेज खत्म होने के बाद रूही घर आ गई और उसने ये बात सारिका को बताई तो सारिका को भी बहुत हंसी आई। उसने हंसते हुए कहा, ये माही भी ना, इसका बचपना कभी नहीं जाने वाला। रूही की बात किसी और ने भी सुनी थी और इस बात से उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। ये था रणवीर, जो अभी अभी ऑफिस से घर आया था और अपने रूम की ओर जा रहा था।
तभी उसके कानों में रूही की आवाज सुनाई दी। कोई और बात होती तो रणवीर इग्नोर करके चला जाता, लेकिन यहाँ माही का जिक्र हो रहा था, और अगर माही का जिक्र हो तो भला रणवीर उसे कैसे इग्नोर कर सकता था। अपने रूम में आकर रणवीर ने शावर लिया और एक लूज टी शर्ट और लोअर पहन लिया। तब तक मीड आकर उसके लिए ब्लैक कॉफी रख के गई। रणवीर अपनी ब्लैक कॉफी लेकर बालकनी में चला गया और वहां रखे काउच पर रिलैक्स होकर कॉफी पीने लगा। इस वक्त उसके जहन में माही थी। उसका एहसास था, उसे बार बार माही की वो सहमी सी नम आंखें नजर आ रही थी। इस वक्त रणवीर का चेहरा बहुत शांत लग रहा था। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद वो वापस अपने रूम में आया। अभी वो लैपटॉप खोलकर बैठा ही था कि उसके डोर पर किसी ने नॉक किया। रणवीर ने बैठे बैठे ही कहा, कम इन। उसके बोलते ही रूही अंदर आ गई और रणवीर के पास सोफे पर कूद कर बैठ गई। रणवीर ने उसे थोड़ा डांटते हुए कहा, रूही आराम से, क्या बंदर की तरह उछल कूद करती रहती हो। रणवीर की नजर लैपटॉप की स्क्रीन पर थी और ध्यान रूही पर था। रूही ने रणवीर के कंधे पर सिर रखकर कहा, भाई मैं आपसे कुछ मांगू तो आप दोगे ना, आखिर आप मेरे सबसे बेस्ट वाले भाई हो। रणवीर ने अपनी एक आईब्रो उठाकर रूही को देखा, जो पपी फेस बनाकर उसे ही देख रही थी। ये देखकर रणवीर ने उसे दूर करते हुए कहा, अबे दो दिन पहले तो तुमने यही डायलॉग रुद्र को भी कहा था ना। रूही को जब यह एहसास हुआ कि वो पकड़ी गई है तो वो बात बनाते हुए बोली, हाँ भाई वो कहा तो था, पर वो आपसे थोड़ा कम वाले बेस्ट है और आप ज्यादा वाले बेस्ट हो। तभी पीछे से कोई बोला, फिर तो ये बात मुझे रुद्र भाई को बतानी चाहिए। ये काव्या की आवाज थी जो अंदर आते हुए बोल रही थी। काव्या रणवीर की सगी बहन थी जो उससे छोटी थी और अक्सर पढ़ाई के सिलसिले में अब्रॉड रहती थी। काव्या की बात सुनकर रूही एकदम से बोल पड़ी, नहीं दी उन्हें मत कहना, वरना रुद्र भाई जोर से मेरे कान पकड़ते हैं। रूही ने रणवीर से कहा, और रणवीर भाई जब आप माही को शॉपिंग करवाने ले जाओगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। रणवीर ने भी लगभग ऑर्डर देते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है साथ में जाने की, सिर्फ मैं और माही जाएंगे। रूही रणवीर के गले से लगभग लटकते हुए बोली, भाई प्लीज 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 ना। रूही को जिद करते देख काव्या ने भी रणवीर को घेर लिया और उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, भाई मैं भी लाइन में हूँ, मुझे भी जाना है। रणवीर ने इरिटेट होकर कहा, पहले मुझे छोड़ो। रूही ने जिद करते हुए कहा, नहीं पहले आप प्रॉमिस करो कि आप हमें साथ में ले जाएंगे। रणवीर ने अपने आप को छुड़वाते हुए कहा, ओके तुम दोनों मेरे साथ चलना, अब छोड़ो मुझे, क्या बंदरिया की तरह लटक गई हो। जैसे ही दोनों रणवीर से अलग हुई, रणवीर ने कहा, अब अगर तुम दोनों ने ये जिद दोबारा की तो मैं मॉम को बता दूंगा कि तुम दोनों संडे को डांस पर गई थी। रणवीर की बात सुनकर दोनों की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अगर उनकी मॉम को इस बारे में पता चला तो दोनों की ही अच्छे से क्लास ली जाएगी। रूही ने बत्ती सी दिखाते हुए कहा, नहीं भाई ऐसा मत करना, आप नहीं चाहते ना कि हम आपके साथ शॉपिंग पर जाएं, तो नहीं जाएंगे। काव्या ने भी रूही की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ भाई अरे हम तो अपनी भी शॉपिंग में नहीं जाएंगे, बल्कि हम तो शॉपिंग ही नहीं करेंगे, जो है उसी से काम चला लेंगे, पर आप मॉम से कुछ मत कहना। ये कहकर काव्या और रूही जल्दी से वहां से खिसक गई। रणवीर ने एक चैन की सांस ली और वापस अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। कैसे बर्दाश्त कर पाएगी माही रणवीर के सख्त रवैये को? क्या माही के मन में बसा डर रणवीर के लिए कभी प्यार में बदल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर। माही के कॉलेज में डांस कंपटीशन को लेकर काफी चहल पहल थी। डांस कंपटीशन में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था वो सभी एक रूम में रेडी हो रहे थे। रूही और माही भी करीब करीब तैयार हो चुकी थी। रूही की परफॉर्मेंस पहले थी जबकि माही की बाद में। कुछ ही देर में फंक्शन शुरू हो गया था। चीफ गेस्ट आ चुके थे और प्रिंसिपल ने उन्हें रिस्पेक्टफुली स्टेज के सामने रखे सोफे पर बिठा दिया था। धीरे धीरे सभी पार्टिसिपेंट ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी। ऑडियंस ने भी क्लैपिंग करके उन सबका हौसला बढ़ाया। अब बारी रूही की थी। रूही ने एक राजस्थानी ड्रेस पहन रखी थी। आज वो एक राजस्थानी फोक डांस करने वाली थी। रूही जैसे ही स्टेज पर आई तो सामने बैठे चीफ गेस्ट को देखकर उसके चेहरे की स्माइल बड़ी हो गई। फिर उसने अपनी पोजीशन ली तो एक फोक सॉन्ग प्ले होने लगा। सभी को रूही की डांस परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई और रूही के फ्रेंड्स तो जोश में आकर जोर जोर से हूटिंग भी करने लगे। रूही के बाद माही की डांस परफॉर्मेंस थी। रूही स्टेज से उतरकर माही के पास गई और उसे ऑल द बेस्ट कहा। माही ने भी रूही को गले लगाकर उसकी अच्छी डांस परफॉर्मेंस के लिए बधाई दी। फिर माही स्टेज पर आ गई।
माही की डांस परफॉर्मेंस एक पंजाबी सॉन्ग पर थी, इसलिए उसने शरारा पहन रखा था और वो बिल्कुल एक पंजाबी लुक में थी। माही ने जैसे ही सामने चीफ गेस्ट को ग्रीट करने के लिए अपने हाथ जोड़े तो सामने बैठे शख्स को देखकर वो हैरान रह गई। चीफ गेस्ट की जगह रणवीर किसी किंग की तरह बैठा एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ उसे ही देखे जा रहा था। मतलब रणवीर रॉय कपूर ही आज का चीफ गेस्ट था। दरअसल रणवीर के डैड ही हमेशा चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ आते थे, लेकिन इस बार रणवीर ने ऐसा तिकड़म भिड़ाया कि वो किसी और काम की वजह से यहाँ नहीं आ पाए और इसलिए उनकी जगह रणवीर यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर आया था। रणवीर को रूही से पता चला था कि माही भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है, इसलिए रणवीर जानबूझकर प्लान करके अपने डैड की जगह चीफ गेस्ट बनकर आ गया ताकि वो माही की डांस परफॉर्मेंस देख सके। वही किसी किंग की तरह बैठा रणवीर काफी हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर कॉलेज की सभी लड़कियां तो पागल ही हुई जा रही थी, लेकिन उसे देखकर माही की सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। वो कुछ देर तक ऐसे ही खड़ी रही, फिर जब उसे ध्यान आया कि वो इस वक्त स्टेज पर है तो उसने एक नजर ऑडियंस को देखा जो उसके ही डांस परफॉर्मेंस का वेट कर रही थी। माही ने गहरी सांस ली और अपने आप को रिलैक्स करके अपनी पोजीशन ले ली। उसने अपने मन को समझाया कि वो ऐसा सोचे जैसे रणवीर यहाँ है ही नहीं। इससे उसके अंदर की घबराहट थोड़ी कम हो गई। तभी एक पंजाबी सॉन्ग प्ले हुआ। रणवीर तो जैसे माही के डांस में खोसा गया था। माही के पैर म्यूजिक के साथ थिरक रहे थे और उसकी हर एक अदा पर रणवीर का दिल जोरों से धड़क रहा था। माही सॉन्ग पर डांस करते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी। रणवीर का दिल हुआ कि वो अभी जाकर माही को अपनी बाहों में भर ले। माही का डांस खत्म होते ही पूरा स्टेडियम तालियों के शोर से गूंज उठा। रणवीर जो अभी तक माही के डांस में ही खोया हुआ था वो तालियों के शोर से वापस अपने होश में आया। रणवीर की नजरें माही को ढूंढ रही थी, लेकिन तब तक माही स्टेज से उतर गई थी। इसी तरह कुछ और परफॉर्मेंस के बाद विनर की अनाउंसमेंट हुई और माही को फर्स्ट प्राइज के लिए स्टेज पर बुलाया गया। अपना नाम सुनते ही माही के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो रणवीर के सामने जाने से थोड़ा घबरा रही थी, पर बार बार नाम पुकारे जाने पर उसे जाना ही पड़ा। माही होठों पर एक फेक स्माइल लिए स्टेज पर आई और उसने रणवीर को ग्रीट किया। रणवीर ने भी स्माइल करते हुए उसे रिस्पॉन्स दिया और उसकी तरफ फर्स्ट प्राइज की ट्रॉफी बढ़ा दी। माही ने भी स्माइल के साथ ट्रॉफी ले ली। प्रिंसिपल ने माही की तारीफ करते हुए कहा, मिस्टर कपूर, ये हमारी कॉलेज की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। रणवीर को ये सुनकर अंदर ही अंदर माही पर काफी प्राउड फील हो रहा था। माही ने जल्दी से ट्रॉफी ली और स्टेज से नीचे आ गई। रूही सेकंड विनर थी तो उसे भी ट्रॉफी मिली। माही और रूही दोनों ही खुशी से गले लग गई। प्रिया ने कहा, आज सेलिब्रेशन तो बनता है ना, चलो ना कहीं चलकर सेलिब्रेट करते हैं। रूही को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया। रूही ने फिर कुछ याद करते हुए कहा, अरे मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाना तो भूल ही गई, रुको मैं उन्हें बुलाती हूँ। माही उसे रोकना चाहती थी, लेकिन तब तक रूही ने रणवीर को कॉल लगा दी। अभी तक रणवीर का भी सारा काम हो चुका था और वो वहाँ से जाने वाला था। तभी रूही की कॉल उसके फोन पर आई। रणवीर ने कॉल अटेंड की तो दूसरी तरफ से रूही उसे गाड़ी के पास ही वेट करने के लिए कहने लगी। रणवीर वैसे भी माही से मिलना चाहता था, इसलिए वो भी वेट करने के लिए मान गया, क्योंकि वो जानता था कि रूही और माही दोनों ही एक साथ कॉलेज से बाहर निकलती हैं। करीब 10 मिनट बाद रूही और माही दोनों चेंज करके आ गई। माही ने रूही से कई बहाने बनाए थे रुकने के लिए, लेकिन रूही कहां मानने वाली थी। रूही और माही के साथ प्रिया और टीना भी बाहर आ गई, क्योंकि वो भी अपने जीजू से मिलना चाहती थी। रणवीर गाड़ी से टेक लगाए एक हाथ पॉकेट में डाले फोन में कुछ देख रहा था। वहीं उसके आसपास थोड़ी दूरी पर लड़कियां खड़ी उसे ऐसे हसरत भरी नजरों से घूर रही थी जैसे उसे खा ही जाएंगी। तभी रूही ने दूर से हाथ हिलाते हुए पुकारा, भाई। रणवीर के कानों में जब रूही की आवाज आई तो उसने नजर उठाकर सामने देखा। रूही के साथ दो और लड़कियां थी जिन्हें रणवीर नहीं जानता था और सबसे पीछे माही आ रही थी। बिल्कुल धीरे धीरे जैसे किसी ने उसके पैरों में भारी भरकम पत्थर बांध दिए हो। रूही भागते हुए रणवीर के पास आई और हाँफते हुए बोली, भाई मिलिए आपके होने वाली आधी घरवालियों से। रूही की बात सुनकर रणवीर ने उसे अजीब नजरों से देखा। वहीं प्रिया और टीना तो रणवीर को एक टक देखे जा रही थी। जब रूही ने रणवीर को अपनी तरफ ऐसे देखते देखा तो उसे समझाते हुए कहा, अरे माही की फ्रेंड, आपकी साली और साली मतलब आधी घर वाली, समझे? फिर कुछ सोचते हुए इधर उधर देखते हुए बोली, अरे पर आपकी घर वाली कहाँ रह गई? तभी उसे पीछे से माही धीरे धीरे आती दिखी।
माही को इतना धीरे आते हुए देख रूही अपना सिर पीटते हुए बोली, ये माही को क्या हुआ, वैसे तो हमें दौड़ा दौड़ा कर मारती है और आज कछुए की चाल जैसे चल रही है। फिर रणवीर की तरफ देखते हुए बोली, आप रुको मैं उसे लेकर आती हूँ। ये कहकर वो भागकर माही के पास गई और उसे लगभग खींचते हुए लेकर आई। रणवीर को रूही की बात सुनकर मन ही मन हंसी आ रही थी। वो माही को देखते हुए बोला, क्या कहा था तुमने रूही, माही तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर मारती है। रणवीर की बात सुनकर माही का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। वहीं रणवीर की बात सुनकर प्रिया एकदम से बोल पड़ी, हाँ जीजू बहुत खतरनाक है आपकी घरवाली, परसों तो मुझे पूरे कॉलेज में भगाया था इसने, सच कह रही हूँ बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी मैंने। माही प्रिया को ऐसे घूर रही थी जैसे कह रही हो उस दिन तो बच गई थी लेकिन अगली बार पक्का मार दूंगी। पर माही को ऐसे चिढ़ते हुए देखकर रणवीर को बड़ा मजा आ रहा था। रणवीर ने भी माही के मजे लेते हुए कहा, क्या माही मेरी इतनी स्वीट सी साली को ऐसे मत डराया करो, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम एक लिटिल लेडी डेविल हो। अब माही का चेहरा रोने जैसा हो गया था क्योंकि सभी उसके पीछे हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ गए थे। पर इससे पहले कि माही सच में रोने लगती रूही ने कहा, बस करो कोई मेरी भाभी को और परेशान नहीं करेगा। फिर रणवीर से कहा, भाई आज हम चारों सेलिब्रेशन के लिए बाहर जा रहे हैं। तो रणवीर ने कहा, चारों नहीं तीनों क्योंकि माही मेरे साथ जा रही है। फिर किसी का जवाब सुने बिना ही माही को हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया। माही हक्की बक्की सी सोचती रह गई, मुझसे पूछा भी नहीं। फिर मुंह बनाते हुए खुद से ही बोली, हाँ तो पहले भी कौन सा पूछते थे। वहीं प्रिया ने रूही से कहा, यार तेरा भाई कितना हैंडसम है और क्या एटीट्यूड है उनका। हाय, रूही ने प्रिया को घूरते हुए कहा, ज्यादा नजर लगाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई को, अब चल पहले गोलगप्पे से सेलिब्रेशन की शुरुआत करते हैं। वहीं गाड़ी में बैठी माही अपने नाखून चबा रही थी और अपनी सोच में ही गुम थी। रणवीर ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी खतरनाक हो, कैसे अपने दोस्तों को डरा कर रखा हुआ है। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या मैं ऐसी लगती हूँ, वो प्रिया कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा कर बोल रही थी, अब वो मुझे चिढ़ाएगी तो मैं उसे मारूंगी ही ना। माही तो ऐसे अपनी सफाई दे रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को अपनी गलती की सफाई दे रहा हो। रणवीर को मन ही मन माही की बातों पर हंसी आ रही थी, फिर भी उसने अपने चेहरे को सख्त बनाते हुए कहा, मतलब अगर मैं तुम्हें चढ़ाऊंगा तो तुम मुझे भी मारोगी। माही अपनी ही धुन में बोल गई, हाँ। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अभी क्या बोल गई और उसने डरते हुए रणवीर की तरफ देखा। रणवीर ने अब गाड़ी रोक दी थी और वो माही को घूर कर देख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पा रहा था क्योंकि माही ने अपना चेहरा ही ऐसा बना रखा था। रणवीर ने उसकी तरफ झुकते हुए पूछा, क्या तुम मुझे वाकई में मारोगी। माही ने कहा, वो गलती से मुंह से निकल गया था। ये कहते हुए माही पीछे होती जा रही थी। माही ऐसे कहते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि अब रणवीर के लिए अपनी हंसी कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया और वो एकदम से ठहाका मारकर हंस पड़ा। माही रणवीर को हैरानी से देख रही थी। वो मन ही मन सोचते हुए खुद से बोली, क्या मैंने अभी कोई जोक सुनाया था। फिर उसने रणवीर से ही पूछ लिया, आप ऐसे हंस क्यों रहे हो। रणवीर ने हंसते हुए कहा, लुक एट योर फेस, हाउ इजी इट इज टू फूल यू, तुम सच में बहुत क्यूट हो। माही अब समझ गई थी कि रणवीर उसे तब से बेवकूफ बना रहा था। वो मुंह फुलाकर विंडो से बाहर देखने लगी। रणवीर ने फिर अपनी हंसी कंट्रोल करके पूछा, अच्छा वैसे तुम लोग कहाँ जाने वाले थे। माही ने कहा, क्या फायदा, आपने तो मुझे जाने ही नहीं दिया, अब सब मजे से गोलगप्पे खा रहे होंगे। रणवीर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम सेलिब्रेशन के नाम पर गोलगप्पे खाने वाले थे। माही ने कहा, हाँ तो मुझे तो वो खाना बहुत पसंद है, उसका वो खट्टा चटपटा पानी। पता है उज्जैन में मैं और मेरी फ्रेंड राशि स्कूल से घर आते वक्त रास्ते में गोलगप्पे जरूर खाते थे। अरे हमारा तो अक्सर कंपटीशन होता था कि जो हारेगा उसे जीतने वाले को काला खट्टा वाला गोला भी खिलाना पड़ेगा, और अक्सर मैं ही जीतती थी। माही ये बोलते वक्त भूल गई थी कि वो इस वक्त रणवीर के साथ है, और ये बात बताते वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। रणवीर माही को ऐसे चहकते देखकर उसे एक स्माइल के साथ देखे ही जा रहा था। शायद माही पहली बार ऐसे रणवीर के सामने खुलकर बोल रही थी। पर थोड़ी ही देर में माही को याद आया कि वो इस वक्त रणवीर के साथ है, और ये याद आते ही माही एकदम से चुप हो गई। माही के चुप होते ही रणवीर ने दोबारा गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दिया। माही ने धीरे से रणवीर से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं। तो रणवीर ने कहा, सेलिब्रेशन के लिए।
रणवीर की बात सुनकर माही चुपचाप बैठ गई और मन ही मन सोचते हुए बोली, पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में, जाने कहां लेकर जा रहा है मुझे, कहां लेकर जा रहा है रणवीर माही को, किस सेलिब्रेशन की बात कर रहा है रणवीर। जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर। माही रणवीर के साथ चुपचाप उसकी गाड़ी में बैठी थी। रणवीर ने गाड़ी इंदौर के सबसे एक्सपेंसिव और लग्जूरियस होटल के सामने रोकी, जहां आना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। माही को लगा कि रणवीर यहां शायद खाना खाने आया है, इसलिए वो भी चुपचाप गाड़ी से बाहर आ गई। होटल हयात पैलेस एक 7-स्टार होटल था और ये कपूर्स के होटल में से एक था। रणवीर अक्सर यहां बिजनेस मीटिंग के लिए आया करता था। कपूर्स के ऐसे कई होटल पूरे इंडिया के साथ अब्रॉड में भी थे, बल्कि कह सकते हैं कि इनके होटल्स की चेन इंडिया के साथ साथ अब्रॉड तक फैली हुई थी। रणवीर ने माही का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गया। वहीं उसको आते देख वहां का सारा स्टाफ मैनेजर सहित सिर झुकाकर उसको ग्रीट करने लगे, पर रणवीर किसी की तरफ देखे बिना माही का हाथ पकड़े हुए सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। माही तो आंखें बड़ी करके हैरानी से उस होटल की खूबसूरती को ही देखे जा रही थी। रणवीर ने लिफ्ट में पहुंचकर टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। इस होटल के टॉप फ्लोर को कपूर्स के लिए ही रखा गया था, जहां सभी के अपने अपने प्राइवेट रूम्स थे। लिफ्ट 2 मिनट में ही टॉप फ्लोर पर पहुंच गई। इस दौरान रणवीर ने एक बार भी माही का हाथ नहीं छोड़ा था। लिफ्ट के रुकते ही रणवीर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर का रूम काफी बड़ा और खूबसूरत था। माही घूम घूम कर पूरे रूम को ही देखे जा रही थी। बेचारी ये भी भूल गई कि वो रूम रणवीर का है और वो दोनों इस रूम में अकेले हैं। रणवीर ने सोफे पर बैठकर माही की तरफ देखा, जो अपनी ही दुनिया में मस्त थी। माही ने आज क्रॉप टॉप और लॉन्ग स्कर्ट पहन रखी थी और उसके खूबसूरत लंबे बाल खोले थे। कुछ ही देर में वेटर एक खाने की ट्रॉली लिए अंदर आया और उसने गोलगप्पे, अलग अलग फ्लेवर के बर्फ के गोले और भी तरह तरह के कई स्ट्रीट फूड की वेराइटी टेबल पर सजा दी और रणवीर को ग्रीट करके वहां से चला गया। माही ने जब टेबल पर इतना सारा खाने का सामान देखा तो उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसने हैरानी से पूछा, हम दोनों के लिए इतना सारा खाना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? रणवीर बोला, हम दोनों के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं तो कुछ और ही खाऊंगा। उसने ये बात माही के होठों को देखकर कही थी, पर माही बेचारी को कहां रणवीर की ऐसी बातें समझ आने वाली थी, उसका तो पूरा फोकस खाने की चीजों पर था। माही ने जैसे ही सुना कि ये सब उसके लिए है तो वो जल्दी से ही फर्श पर बैठ गई और सबसे पहले उसने खाने की सभी चीजों की पिक्स लेकर प्रिया को सेंड कर दी। रणवीर उसकी ये सारी हरकतें स्माइल करते हुए देख रहा था। फिर माही ने खाना शुरू किया, तभी उसे ध्यान आया कि वो एक बार रणवीर से भी पूछ ले, इसलिए उसने एक प्लेट रणवीर की तरफ बढ़ा दी। रणवीर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगा। माही ने भी लापरवाही से कहा, ओके। इतना बोलने के बाद उसने वापस खाने पर धावा बोल दिया। थोड़ी देर बाद जब उसके मिर्च की वजह से हालत खराब हो गई तो उसने जल्दी से काला खट्टा वाला गोला उठाया और उसका स्वाद लेने लगी। गोले की वजह से उसके होंठ बिल्कुल लाल हो गए थे। कुछ देर बाद जब उसका पेट इन सब से भर गया तो उसने रणवीर से कहा, मेरा पेट तो भर गया, चलो अब घर चलें। वो अभी ये सब बोल ही रही थी कि उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। वो मैसेज प्रिया का था, जिसमें उसने लिखा था, हाँ अभी तो जीजू तुझे ये सब खिलाएंगे, फिर बाद में वो फुर्सत से तुझे खाएंगे। ये मैसेज देखकर माही ने मुंह बनाते हुए कहा, ये लड़की तो पूरी पागल है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। इतना कहकर माही खड़ी हो गई और रणवीर से चलने के लिए कहा। रणवीर, जो कब से उसे इंटेंस नजरों से देखे जा रहा था, वो उठकर उसके करीब आते हुए बोला, बेबी तुम्हारा सेलिब्रेशन तो हो गया, अब थोड़ा मैं भी सेलिब्रेट कर लूं। माही रणवीर की नजरों को देखकर ही समझ गई थी कि अब वो क्या करने वाला है, क्योंकि वो रणवीर की ऐसी नजरों को पहचानती थी। माही उससे दूर होती उससे पहले ही रणवीर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बेड तक ले जाकर उसे लगभग पटक ही दिया। माही ने वहां से खड़े होने की कोशिश की तो रणवीर ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया। अब माही हिल भी नहीं पा रही थी। रणवीर ने उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, मुझे भी गोलगप्पे का टेस्ट लेना है। माही समझ गई कि रणवीर क्या करने वाला है, इसलिए उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, पर रणवीर ने उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ किया और उसके लाल होठ अपने होठों की गिरफ्त में ले लिए। माही रणवीर से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर रणवीर ने उसके हाथों को कसकर पकड़ रखा था। रणवीर प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। कुछ देर बाद रणवीर उससे थोड़ा दूर हुआ
अब माही और रणवीर दोनों ही काफी लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, पर रणवीर ने उसको अपनी गिरफ्त से आजाद नहीं किया था। उसने फिर से माही के होठों को देखते हुए कहा, उफ, गोलगप्पे वाकई में बहुत तीखे थे। मेरे ख्याल से मुझे अब काला खट्टा गोले का टेस्ट लेना चाहिए। ये कहकर वो जैसे ही माही के होठों की तरफ बढ़ा तो माही जल्दी से उसकी पकड़ से छूटकर वॉशरूम की ओर भाग गई। रणवीर ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, बेबी कब तक मुझसे बच पाओगी। इतना कहकर वो बेड से उठा और वॉशरूम के गेट के पास खड़े होकर बोला, माही डोर ओपन करो। माही ने तब तक अपने कपड़े ठीक कर लिए थे और जब उसने रणवीर की आवाज सुनी तो डोर का लॉक चेक करते हुए बोली, नहीं मैं नहीं आ रही बाहर। रणवीर ने उसे हल्की सी वार्निंग देने के अंदाज में कहा, बेबी तो फिर मैं अंदर आ रहा हूँ। माही को लगा कि गेट तो लॉक है तो रणवीर अंदर नहीं आ सकता और वो सिर्फ डराने के लिए ऐसा कह रहा है, इसलिए उसने भी जवाब में कहा, ऐसे कैसे अंदर आ जाओगे आप, मैंने डोर लॉक कर रखा है। पर वो तो रणवीर था, उसने ड्रॉर से की निकाली और वॉशरूम का डोर अनलॉक करके अंदर चला गया। माही आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी, वो कभी डोर को देखती तो कभी रणवीर को। ये देखकर रणवीर एक डेविल स्माइल के साथ उसके करीब जाने लगा। माही धीरे धीरे पीछे होती जा रही थी, उसने डर से अपनी स्कर्ट को मुट्ठी में कस लिया था। अब तो उसके पास पीछे जाने के लिए जगह ही नहीं बची थी और रणवीर उसके बहुत करीब आ गया था। रणवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जब चाहे तुम्हारे करीब बहुत करीब आ सकता हूँ और तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती, ये जानती हो ना, फिर भी स्टूपिड से कोशिश क्यों करती हो। ये कहते हुए वो माही के नेक पर किस करने लगा। फिर उसने बदहोशी भरी आवाज में कहा, माही यू आर रियली वेरी ब्यूटीफुल, माई डिजायर फॉर यू इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। माही को अब बहुत शर्म आ रही थी, वो रणवीर के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर रणवीर तो अब पूरी तरह से उसकी खुशबू में खो चुका था। शायद एक कारण ये भी था कि काफी वक्त बाद वो माही के इतना करीब आ पाया था। उसकी पकड़ जैसे ही माही से थोड़ी ढीली हुई तो माही ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए रणवीर को धक्का दिया, जिस वजह से रणवीर दो कदम पीछे हट गया। माही ने जैसे ही भागने की कोशिश की तो उसका पैर फिसल गया। इससे पहले कि रणवीर उसको संभाल पाता वो नीचे गिर गई और एक हल्की सी चीख उसके मुंह से निकली। आह, माही को ऐसे नीचे फर्श पर गिरा हुआ देखकर रणवीर ने अपना सर ना में हिलाया और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। माही रोनी सी शक्ल बनाकर बैठी हुई थी, उसने रणवीर के हाथ की तरफ देखा और फिर रणवीर की तरफ देखा। रणवीर ने उसे अपना हाथ पकड़ने का इशारा किया तो माही उसका हाथ पकड़कर उठने की कोशिश करने लगी। तभी उसके पैर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई और वो वापस अपना पैर पकड़कर बैठ गई। रणवीर समझ गया था कि माही के पैर में मोच आ गई है, इसलिए उसने आगे बढ़कर माही को अपनी गोद में उठा लिया। माही के चेहरे से पता चल रहा था कि उसे कितना दर्द हो रहा है। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रणवीर ने उसे बेड पर आराम से बिठाया और उसका पैर अपनी गोद में लेकर देखने लगा। माही ने उसके हाथ को पकड़कर रोते हुए कहा, नहीं हाथ मत लगाइए, दर्द हो रहा है। रणवीर ने उसे समझाते हुए कहा, हल्की सी मोच आई है, अभी ठीक हो जाएगी, तुम बस मेरी तरफ देखो। माही नम आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। रणवीर उसका ध्यान दर्द से हटाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगा और माही भी उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। तभी एक बार फिर माही के पैर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई और माही तो लगभग चीख पड़ी, आह। दरअसल रणवीर ने एक झटके से उसके पैर की मोच निकाल दी थी। फिर उसने माही की तरफ देखते हुए कहा, अब दर्द नहीं होगा। माही ने महसूस किया तो वास्तव में अब उसके पैर का दर्द काफी हद तक कम हो गया था। रणवीर ने साइड टेबल से एक ऑइंटमेंट निकालकर उसके पैरों पर लगाई और काफी हल्के से मसाज भी कर दी। फिर उसने माही को छेड़ते हुए कहा, तो मैं अपना काम कंटिन्यू करूं वाइफी। माही ने पिलो उठाकर रणवीर को मारते हुए कहा, आप ना एक नंबर के निर्दय इंसान हैं। आपको शर्म नहीं आती क्या, मेरे पैर में दर्द हो रहा है और आपको अभी भी यही सब सूझ रहा है। रणवीर को माही के ऐसे रिएक्शन से हंसी आ गई। वहीं उसको ऐसे हंसते देखकर माही चिढ़ते हुए बोली, अब आप मुझे घर छोड़ दीजिए, देर हो रही है। रणवीर ने उसे और छेड़ते हुए कहा, अभी से, अभी तो पूरी रात बाकी है। ये कहकर वो माही के चेहरे की तरफ झुकने लगा। माही ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसे एहसास हुआ कि वो अब रणवीर की गोद में है, तब जाकर उसने अपनी आंखें खोली। रणवीर उसे अपने गोद में उठाकर होटल से बाहर जा ही रहा था कि तभी उसका सामना वेदांत से हो गया, जो अभी अभी अंदर आया था। माही को रणवीर की गोद में देखकर वेदांत भी रुक गया। उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है।
वेदांत को ऐसे अपनी तरफ देखते हुए रणवीर के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने माहे को पास की चेयर पर बिठा दिया और खुद अपनी पॉकेट में हाथ डालकर उसके पास आ गया। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, वेदांत राठौर, हमारे होटल में कोई खास वजह थी क्या? वेदांत ने भी एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, क्यों, क्या इस होटल में मेरा आना तुमने बैन कर रखा है? और वैसे भी तुम भूल रहे हो कि ये होटल मेरे अंकल का भी है, तो जाहिर है कि मैं यहाँ क्यों आया, किस लिए आया, ये तुम्हें तो बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर रणवीर सिर नीचे करके हंसने लगा। फिर वेदांत की तरफ देखकर बोला, सही कहा, ये तुम्हारे अंकल यानी मेरे डैड का होटल है और तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो, और जल्दी ही तुम्हारे अंकल और तुम्हारी मासी माँ के बेटे की शादी माँ ही से होने वाली है। वैसे मासी माँ ने तो तुम्हें बता ही दिया होगा। ये बात कहते हुए रणवीर ने माँ ही शब्द पर जोर दिया। उसने बात वेदांत को जलाने के लिए कही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वेदांत भी माही में इंटरेस्टेड है और उसे ये जानकर काफी बुरा लगेगा। क्या वेदांत के मन में वाकई माही के लिए फीलिंग्स है? क्या वेदांत ही शादी रोकने की कोशिश करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रणवीर ने जैसे ही वेदांत को अपनी और माही की शादी की बात बताई, उसने सरकास्टिक वे में हंसते हुए कहा, क्या वाकई माही ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है? जहाँ तक मुझे पता है, वो बिजनेस टाइकून रणवीर रॉय कपूर को जानती है, ना कि अंडरवर्ल्ड किंग रणवीर रॉय कपूर को। हाँ, फिर उसने माही की तरफ देखा, जो सिर्फ होटल की खूबसूरती को किसी बच्चे की तरह निहार रही थी। वेदांत ने आंखों से माही की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो उस लड़की को, उसमें दुनिया जहाँ की मासूमियत समाई हुई है। जहाँ तक मैं माही को समझ पाया हूँ, वो अभी भी दुनियादारी से अनजान है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए एक मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो? क्योंकि अगर तुम उससे प्यार करते तो उससे अपने बारे में कुछ नहीं छुपाते। उसकी बात सुनकर रणवीर के फेस के एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गए। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद करो। मैं जो हूँ जैसा हूँ, माही को मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड इट वुड बी बेटर फॉर यू That you don't even think of coming between us. वेदांत ने अपने दोनों हाथ उठाते हुए कहा, ओके, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिद और तुम्हारा जुनून कब तक उसे तुम्हारे पास रोक कर रखेगा। फिर एक गहरी सांस लेकर आगे कहा, बस बुरा इस बात का लगेगा कि कहीं इन सब में माही का दिल ना टूट जाए, क्योंकि माही जैसी लड़की कभी किसी अंडरवर्ल्ड किंग से प्यार नहीं करेगी। ये कहकर वेदांत ने एक तिरछे स्माइल के साथ रणवीर को देखा और वहां से चला गया। किसी वक्त में रणवीर, रुद्र और वेदांत तीनों के आपस में बहुत बनती थी। कह सकते हैं कि तीनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। तीनों हमउम्र भी थे और तीनों का बचपन, स्टडी सब साथ साथ ही हुआ था। फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि वेदांत और रणवीर के बीच एक एक करके नफरत की लकीरें खिंच गई। दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। हालांकि रुद्र इस बारे में जानता था, लेकिन दोनों के परिवार वाले इस दुश्मनी के बारे में नहीं जानते थे, और दोनों ही एक दूसरे के परिवार को वही प्यार और सम्मान देते थे जो वो हमेशा से देते आए थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ रणवीर ही इलीगल कामों में इन्वॉल्व था, वेदांत के भी कई ऐसे इलीगल काम थे जिनके बारे में रणवीर और रुद्र दोनों ही जानते थे। वेदांत की बात सुनकर रणवीर के हाथों की मुट्ठियां गुस्से से कस गई। रणवीर ने अपने आँख को शांत किया और माही की तरफ देखा, जो अब अपने फोन में कुछ देख रही थी। रणवीर ने गहरी सांस ली और माही की तरफ बढ़ गया। माही ने रणवीर के साथ वेदांत को देख लिया था, लेकिन रणवीर के सामने उसकी वेदांत से बात करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने अपना ध्यान फोन में लगा लिया। रणवीर ने माही को एक बार फिर गोद में उठाया और बाहर आ गया। उसने माही को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी ड्राइव करते हुए वहां से निकल गया। रणवीर ड्राइव करते हुए सामने रोड की तरफ देख रहा था, लेकिन उसके जहन में इस वक्त वेदांत की बातें गूंज रही थी। उसने रोड पर ही कुछ देर के लिए गाड़ी रोक दी और अपना सिर पीछे की तरफ सीट पर कर लिया। कुछ देर बाद उसने तिरछी नजरों से माही की ओर देखा, जो सुकून से सोई हुई थी। उसके बाल उसके छोटे से खूबसूरत चेहरे को ढक रहे थे। रणवीर ने अपनी उंगलियों से उसके बालों को उसके चेहरे से हटाकर कान के पीछे कर दिए और आगे बढ़कर उसके फोरहेड पर किस कर लिया। रणवीर के किस करते ही माही की आंखें खुल गई। उसने सीधे बैठते हुए कहा, हम घर आ गए क्या? रणवीर ने भी वापस गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, नहीं, अभी करीब आधा घंटा और लगेगा। ये कहकर वो वापस गाड़ी ड्राइव करने लगा।
और कुछ ही देर में वो दोनों महेश जी के घर पहुंच गए। रणवीर ने माही को गोद में उठाया तो माही ने कहा, मैं अब खुद से चली जाऊंगी। उसके इतना कहने पर रणवीर ने जब उसे सर्द नजरों से देखा तो माही चुप हो गई। माही को ऐसे रणवीर की गोद में देखकर निर्मला जी ने पूछा, क्या हुआ माही को, ये ठीक तो है ना? माही ने कहा, हाँ चाची जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी मोच आ गई थी पैरों में। रणवीर ने निर्मला जी से कहा, आंटी मैं माही को उसके रूम में छोड़ देता हूँ। तो निर्मला जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, मैं अभी माही के लिए हल्दी वाला दूध भिजवाती हूँ। ये कहकर वो किचन की तरफ चली गई। रणवीर ने माही को रूम में लाकर बेड पर बैठाया और उसके बगल में बैठकर उसके पैर चेक करते हुए बोला, स्वेलिंग भी पहले से कम हो गई है। तभी मेड हल्दी वाला दूध वहां रखकर चले गए। रणवीर ने दूध का ग्लास माही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो पियो इसे। माही ने दूध देखकर मुंह बनाते हुए कहा, अभी इसे यहीं रख दीजिए, मैं बाद में पी लूंगी। रणवीर तो माही का रिएक्शन देखकर ही समझ गया था कि माही दूध पीना ही नहीं चाहती, इसलिए उसने जबरदस्ती माही के होठों से ग्लास को लगा दिया। माही से दूध बिल्कुल नहीं पिया जा रहा था, पर रणवीर ने जबरदस्ती उसे पिला ही दिया। फिर ग्लास को एक तरफ रखकर माही के होठों को अपने अंगूठे से साफ करते हुए बोला, अब आराम करो, मैं कल सुबह 11 बजे तुम्हें लेने आऊंगा। माही ने कंफ्यूजन में पूछा, 11 बजे क्यों? रणवीर ने कहा, क्योंकि कल तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चल रही हो, हमारी रिंग सेरेमनी है। इतना कहकर उसने माही के लिप्स पर छोटी सी किस करके उसके बालों को बिगाड़ते हुए कहा, और कल मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, समझी? ये कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। माही तो सोचती ही रह गई कि मैं बहाना सोच ही रही थी कल ना जाने का, पर इन्होंने तो पहले ही वार्निंग दे दी, आखिर इन्हें पता कैसे चल जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। दूसरे दिन माही रेडी होकर नीचे डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गई। नीचे गंगाधर जी, महेश जी और निर्मला जी भी डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। माही को आते देखकर गंगाधर जी ने उससे पूछा, माही बेटा अब तुम्हारा पैर कैसा है? कल तुम्हारी चाची जी बता रही थी कि तुम्हारे पैर में मोच आ गई थी। माही ने जूस पीते हुए कहा, बाबा अब मेरा पैर ठीक है, बस हल्की सी मोच थी। उसकी बात सुनकर महेश जी ने कहा, बेटा ध्यान रखा करो अपना। माही ने मन ही मन कहा, ध्यान तो रखती हूँ, पर जब आपके पीछे डेविल हाथ धोकर पड़ जाए तो ऐसे हादसे होते ही रहते हैं। निर्मला जी ने माही को गहरी सोच में डूबे देखा तो उससे पूछा, क्या सोच रही हो माही? माही ने मुंह बनाते हुए कहा, डेविल के बारे में। फिर उसे ध्यान आया कि वो क्या बोल गई तो जल्दी से बोली, वो आज शॉपिंग पर जाना है ना, तो वही सोच रही थी। माही इतना ही बोली थी कि तभी उसके फोन पर रणवीर की कॉल आई। माही ने बेमन से कॉल पिक करके कहा, हेलो। तो दूसरी तरफ से रणवीर ने कहा, जान अगर मन ही मन ढेर सारी गालियां दे दी हो तो बाहर आ जाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फिर उसने माही की बात सुने बगैर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। माही कहना चाहती थी कि आपने 11 बजे कहा था, अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं, पर रणवीर ने उससे बोलने का मौका ही नहीं दिया। फिर उसने अपने बाबा से कहा, बाबा वो रणवीर बाहर मेरा वेट कर रहे हैं, क्या मैं शॉपिंग के लिए जाऊं? ये सुनकर महेश जी ने कहा, अरे रणवीर बाहर है, उसे अंदर बुलाकर लाओ बेटा, आखिर वो इस घर के होने वाले दामाद हैं। माही ने कहा, मैं कॉल करके उन्हें अंदर आने के लिए कहती हूँ। तभी गंगाधर जी ने कहा, नहीं माही तुम खुद उन्हें बुलाकर लाओ। अब माही के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो बेमन से बाहर चली गई। रणवीर बाहर अपनी BMW से टेक लगाए खड़ा था, उसके एक हाथ में फोन था और दूसरा हाथ पॉकेट में था। रणवीर ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट में काफी हैंडसम लग रहा था। माही ने जब रणवीर को देखा तो एक पल तो वो उसमें खोसी गई और मन ही मन अपने आप से बोली, कितने हैंडसम लगते हैं ये, बिल्कुल हीरो की तरह। फिर उसकी हरकतें याद आते ही मुंह बनाते हुए बोली, पर हरकतें तो पूरे विलन की तरह है। जब रणवीर ने माही को अपने आप से बात करते देखा तो उसके फेस के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, हो हेलो, अगर हीरो और विलन की कैलकुलेशन खत्म हो गई हो तो चले। रणवीर की बातें सुनकर माही का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोली, आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? आपको कोई जादू आता है क्या? रणवीर ने भी मजे लेते हुए कहा, हाँ तुम्हें नहीं पता, तुम कब क्या सोचती हो, क्या करती हो, कहाँ जाती हो, मुझे सब पता रहता। ये सुनकर माही घबरा गई, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो अंदर बैठे हुए मन ही मन रणवीर को गालियां दे रही थी। उसे डर लग रहा था कि रणवीर ने कहीं वो सुन तो नहीं ली। उसने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, वो बाबा ने आपको अंदर बुलाया है। रणवीर ने पूछा, क्यों? माही अपने बाबा की नकल करते हुए बोली, वो कह रहे थे कि आप इस घर के होने वाले दामाद हैं और हमारी बात पक्की होने के बाद पहली बार घर आए हो,
तो आपकी खातिरदारी करनी चाहिए। उसकी बात सुनकर रणवीर को हंसी आ गई। उसने माही की नोज पिंच करते हुए कहा, क्रेजी लिटिल गर्ल। इतना कहकर वो माही का हाथ पकड़कर अंदर चला गया। गंगाधर जी और महेश जी ने रणवीर को प्यार से वेलकम किया और रणवीर ने सभी बड़ों के पैर छुए। कुछ देर में मेड ने उसके लिए भी नाश्ता लगा दिया। गंगाधर जी रणवीर से मिलकर बहुत खुश हुए। कुछ देर वहां सबसे बातें करके रणवीर माही को लेकर चला गया। माही और रणवीर इस वक्त इंदौर के सबसे बड़े मॉल के फोर्थ फ्लोर पर एक सबसे बड़ी शॉप पर गए, जहां रणवीर और माही सोफे पर बैठे थे और उन्हें शॉप के अटेंडर और मैनेजर एक से बढ़कर एक ड्रेस दिखा रहे थे। रणवीर ने कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट की और माही को ट्राई करने के लिए कहा, फिर आंखों के इशारे से मैनेजर और अटेंडर को वहां से जाने के लिए कह दिया। माही को वैसे तो उसमें से कुछ ड्रेसेस बहुत पसंद आई थी, लेकिन उसमें से कुछ ड्रेसेस ऐसी थी जो बहुत शॉर्ट थी। माही ने थोड़ी हिम्मत करके एक उम्मीद के साथ रणवीर से धीरे से कहा, रणवीर। रणवीर जो अपने फोन में कुछ देख रहा था, उसने बिना माही की तरफ देखे ही कहा, माही ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वो वैसे तो सभी ड्रेसेस अच्छी हैं, लेकिन इनमें से कुछ ड्रेसेस बहुत छोटी हैं और मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। रणवीर, जो कब से अपने फोन में बिजी था, उसने अपना सिर उठाकर सामने खड़ी माही को देखा और उठकर उसके पास आया। फिर उस ड्रेसेस में से एक ब्लैक कलर की ड्रेस निकालकर माही के दूसरे हाथ में रखते हुए कहा, जाओ इसे पहनकर आओ। माही कभी उस ड्रेस को देखती, कभी रणवीर को। रणवीर ने अपनी आईब्रोज चढ़ाते हुए एक हाथ से उसे चेंजिंग रूम की तरफ जाने का इशारा किया। माही ने हाँ में सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, अब तो जाना ही पड़ेगा। करीब 10 मिनट बाद वो अपने ड्रेस को एडजस्ट करती हुई बाहर आई। कभी वो अपनी थाई से ड्रेस को खींचती, कभी अपने कंधे से उसे सही करती। रणवीर को जब एहसास हुआ कि माही उसके सामने है, तो उसने अपनी नजर उठाकर सामने देखा और उसकी नजरें सामने ही जम गई। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, इट्स सो हॉट। माही रणवीर के ऐसे देखने से बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। रणवीर धीरे धीरे उसके करीब आया, तो उसके करीब आने से माही का दिल घबराहट के मारे बहुत तेज धड़कने लगा। रणवीर माही के चारों तरफ घूमकर उसे ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था। क्या वेदांत माही को बता देगा रणवीर के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के बारे में? क्या करेगी माही रणवीर का सच जानने के बाद? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर।